बात करें, पर उन्होंने कहा कि ये सब जुडिस है, एफआईआर है, हम इस पे नहीं बोल सकते। अब सवाल ये उठता है कि जेएनयू में 5 तारीख की शाम को जो घटना हुई उसमें क्या हुआ, क्या हालात थे, किस तरह की घटना हुई, इसको लेकर हमने अपने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में कुछ फाइंडिंग्स दिए हैं और रेकमेंडेशंस हमने दिए हैं। ये तय है कि जो भी रेकमेंडेशन और फाइंडिंग्स हमने लिखित में सोनिया गांधी जी को कल शाम को दिया है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हर्ड ऑन द यूनिवर्सिटी, व्हाट वी सॉ ऑन द यूनिवर्सिटी, एंड हमने पूरी कोशिश की है कि सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर निर्भर ना करके ये फाइंडिंग्स हमने लिखी है। मैं आपको रेकमेंडेशंस पहले संक्षिप्त में बता देती हूँ और फैक्ट फाइंडिंग थोड़ा लंबा है, उसको मैं समराइज करके ताकि आप समझ लें उसको, मैं उसको समझा दूंगी। पहला है कि वाइस चांसलर जगदेश कुमार शुड बी डिसमिस्ड इमीडिएटली। ए इंडिपेंडेंट इंक्वायरी शुड बी सेट अप टू लुक एट ऑल द अपॉइंटमेंट्स। उनकी नियुक्ति 27 जनवरी 2016 को हुई, तब से लेकर अब तक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जितने भी नियुक्ति हुई है फैकल्टी में उसका इन्वेस्टिगेशन हो, उनके हर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीशंस की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो एलोकेशंस किए हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीशंस है उसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। दो नंबर, ये महत्वपूर्ण है, हम कह रहे हैं कि वाइस चांसलर और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं जो 5 तारीख की घटना से जुड़े हुए हैं, वाइस चांसलर, फैकल्टी मेंबर्स एंड द सिक्योरिटी कंपनी, तीनों के ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि 5 तारीख को चाहे वो पेरियार हॉस्टल में हो, चाहे वो साबरमती के हॉस्टल में हो या हॉस्टल के बाहर जो भी घटनाएं घटी है, देर शुड बी अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, नॉट जस्ट अ सिविल इन्वेस्टिगेशन। बिकॉज 5 तारीख को जो हुआ, 5 तारीख को जो हमला हुआ, चाहे वो कहीं भी हुआ हो, चाहे वो किसी ने भी किया हो, सवाल ये उठता है कि इसमें एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। वाइस चांसलर, सिक्योरिटी कंपनी एंड फैकल्टी विच इज कंप्लिसिट इन दिस इंसिडेंट मस्ट बी सब्जेक्टेड टू अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड नॉट अ सिविल इन्वेस्टिगेशन। दूसरी बात, कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है उनके उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी, मुझे मैं मानती हूं कि ही शुड बी मेड अकाउंटेबल फॉर व्हाट हैपेंड ऑन 5th, नॉट जस्ट एसएचओ, नॉट जस्ट द एसीपी, नॉट जस्ट द कॉन्स्टेबल्स हु आर ऑन द कैंपस। जिस तरह की घटना हुई, मैं फाइंडिंग्स में आपको बताऊंगी, नो वन शॉर्ट ऑफ द कमिश्नर ऑफ पुलिस शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस। हमारा ये भी रिकमेंडेशन है कि जो फी हाइक विश्वविद्यालय में हुआ 28 अक्टूबर 2019 में, उसको पास किया गया इंटर हॉल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के माध्यम से और फिर 13 नवंबर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने उसको पास किया। दिस फी हाइक मस्ट बी रोल्ड बैक, इसका रोल बैक होना चाहिए। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि विश्वविद्यालय के अपने रूल्स में ये है कि इंटर हॉल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन होना मैंडेटरी है और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स यूनियन को उस कमेटी में हिस्सा नहीं लेने दिया गया क्योंकि वाइस चांसलर ने स्टूडेंट्स यूनियन को रेकग्नाइज ही नहीं किया, इसके बावजूद कि हाई कोर्ट ने 17 सितंबर को ऑर्डर के माध्यम से कहा था कि आप इलेक्शन को डिक्लेयर करें। दिस फी हाइक इज अनफेयर फॉर टू रीजंस। इट, ध्यान से सुनिए, इस फी हाइक के बाद जवाहरलाल यूनिवर्सिटी हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री एंड नॉट ओनली हैज इट बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी इन द कंट्री, इट दिस फी हाइक हैज बीन अराइव्ड एट विदाउट कंसल्टेशंस विद द स्टूडेंट्स।
ये हमारी फाइंडिंग्स है। इसके अलावा मैं सर, ये हमारे रेकमेंडेशंस हैं। आप जो फैक्ट फाइंडिंग है उसको मैं संक्षिप्त में बताऊंगी, और मेरे कुछ सवाल हैं। आई हैव सर्टेन क्वेश्चंस आई वांट टू पोस्ट टू द वाइस चांसलर, जिन्होंने हमसे मिलने से मना कर दिया या हमसे कांटेक्ट नहीं किया। इन सवालों का जवाब वो दें, किसी भी टेलीविजन शो में अगर वो जाएंगे आज के बाद, इन सवालों का जवाब जरूर दें। पहली बात, 5 तारीख की शाम को रजिस्ट्रार ने एक प्रेस रिलीज इशू किया। वो प्रेस रिलीज ये है। 6 तारीख को इस प्रेस रिलीज में जो 2 पन्नों का है, रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर है, वो उस प्रेस रिलीज में कहीं भी साबरमती हॉस्टल का नाम नहीं लेते। मेरे मीडिया के दोस्तों से सवाल है कि 5 तारीख को जो घटना घटी, साबरमती हॉस्टल का नाम सबके जुबान पे थी, जहां पे स्टूडेंट्स यूनियन की अध्यक्षा का सर फोड़ा गया, जहां प्रोफेसर सुचारिता सेन का सर फोड़ा गया, जिस हॉस्टल में घुसकर जिसका वीडियो पूरा देश ने देखा है, वो साबरमती हॉस्टल था। पर वाइस चांसलर के इस प्रेस रिलीज में, रजिस्ट्रार के इस प्रेस रिलीज में साबरमती शब्द कहीं नहीं है, सिर्फ पेरियार हॉस्टल है। क्यों? उसका जवाब वाइस चांसलर दे। दूसरा सवाल मैं पूछना चाहती हूं, वो खुद इस प्रेस रिलीज में लिखते हैं कि 3 तारीख को जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम जहां है, उसको स्टूडेंट्स ने जो एजिटेट कर रहे, उन्होंने तोड़ दिया। करेक्ट, वी आर ऑल अवेयर ऑफ दिस। वो खुद इसमें कहते हैं कि 4 तारीख सुबह हमने फिर उस सिस्टम को चालू कर दिया, जिसकी वजह से हजारों स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन की। राइट और रॉन्ग, वी हैव ऑल हर्ड दिस। पर 5 तारीख को वो कहते हैं, 4 तारीख को 1 बजे स्टूडेंट्स ने फिर अपना सिस्टम डाउन कर दिया। मैं कुलपति से ये पूछना चाहती हूं कि 3 तारीख को अगर स्टूडेंट्स ने डिस्कनेक्ट किया, 4 तारीख सुबह आपने जारी किया, 4 तारीख 1 बजे फिर स्टूडेंट्स ने उसको अगर डिस्कनेक्ट कर दिया, तो 5 तारीख से पहले आपने उसको चालू क्यों नहीं किया? क्या आपको मालूम था कि 5 तारीख को गुंडे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर अपना लाठी पत्थर और हथौड़ा लेके आएंगे, जिसका सीसीटीवी कवरेज अगर रहेगा तो उसका प्रभाव एबीवीपी के एक्टिविस्ट पे पड़ेगा? सिंपल क्वेश्चन। इफ यू कैन रीइंस्टेट द इंटरनेट कनेक्शन एंड द सीआईएस सिस्टम ऑन द 4th मॉर्निंग, व्हाई डिड यू नॉट रीइंस्टेट दैट कनेक्शन ऑन 5th मॉर्निंग? डिड यू नो दैट देयर वाज गोइंग टू बी अ वायलेंट अटैक इन जेएनयू, बिकॉज ऑफ व्हिच यू वांटेड टू एंश्योर दैट देयर इज नो सीसीटीवी कवरेज? तीसरा सवाल मैं पूछना चाहती हूं कि वाइस चांसलर लगातार टेलीविजन पे कह रहे हैं कि मैं उन छात्रों के पास खड़ा हूं, उन छात्रों के साथ हूं जो इस विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, और जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं चाहते। आज मैं वाइस चांसलर से सीधा सीधा सवाल करती हूं, 12 दिसंबर से 2019 एग्जाम्स वर ड्यू टू बी स्टार्टेड। आप लोगों ने इस देश के इतिहास में कभी सुना है कि एक विश्वविद्यालय के कुलपति एग्जामिनेशन व्हाट्सएप पे कराना चाह रहे हैं? ही एक्चुअली सेंट आउट अ सर्कुलर टू से दैट एग्जामिनेशंस ऑफ अ प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी लाइक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी शुड बी हेल्ड ऑन व्हाट्सएप एंड ईमेल। दिस इज द लेटर ऑफ द टीचर्स एसोसिएशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेइंग यू आर मेकिंग अ मॉकरी ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जो कुलपति शिक्षा के पक्ष में काम कर रहा है, वो क्या यूनिवर्सिटी एग्जाम व्हाट्सएप पे कराना चाहते हैं? आप सवाल व्हाट्सएप पे भेजोगे, छात्र कहां पे उसका जवाब लिखेगा? क्या नकल कर रहा है? क्या वही छात्र उसका जवाब दे रहा है? इसका कोई सिस्टम नहीं है। जो फॉरेन लैंग्वेजेस का एग्जाम होता है वो ओरली होता है, क्या आप ओरल एग्जाम भी व्हाट्सएप पे कराएंगे? डज ही हैव एनी आंसर? अ वाइस चांसलर हु सेज ही इज इन फेवर ऑफ एग्जाम। ये टीचर्स एसोसिएशन की चिट्ठी भी हम आपको प्रेस मीट के बाद देंगे। फी हाइक को लेकर 70 दिन से ज्यादा जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उस फी हाइक को जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने 13-11 को पास किया,
इसकी सभा कहां हुई थी आप लोगों को पता है? उन्होंने सुबह 10 बजे का मीटिंग बुलाया कैंपस के अंदर। जब लोग पहुंचे पता लगा कि वेन्यू बदल के आईटीओ पे चला गया है। आईटीओ पे चार या पांच लोग पहुंचे जो वाइस चांसलर के समर्थक है और उन्होंने फी हाइक पास कर दिया। कैन यू इमेजिन ए वेन्यू ऑफ अ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी विच इज द हाईएस्ट बॉडी ऑफ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिफ्ट्स हिज वेन्यू फ्रॉम द कैंपस टू आईटीओ और वेर एवर इन द मॉर्निंग ऑफ द मीटिंग एंड पासेस द फी हाइक। ये सच्चाई है और ये चीजें आज तक न्यूज पे नहीं आई है, सिर्फ वाइस चांसलर के ही इंटरव्यू आ रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ने 17/11 को हाई पावर्ड कमेटी का एक गठन किया कि जेएनयू कैंपस में पढ़ाई शुरू हो, आंदोलन खत्म हो। वाइस चांसलर रिफ्यूज टू गो बिफोर दिस कमेटी, ही वॉन्टेड नो रेजोल्यूशन। उन्होंने जान के डेडलॉक को रखा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। इसका क्या कारण है? जब से उनकी नियुक्ति हुई है कम से कम 100 फैकल्टी मेंबर्स जो आरएसएस माइंडेड है, जो पहले एबीवीपी के कार्यकर्ता थे, उनकी नियुक्ति उन्होंने की है। टू गिव वन एग्जांपल, धनंजय सिंह जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सॉरी जो चीफ प्रॉक्टर हैं, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर थे वो, और असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनने के लिए एसोसिएट प्रोफेसर बनने की जरूरत है, जिसको सेंट्रल मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया। पर वाइस चांसलर ने एक एसोसिएट प्रोफेसर को इमीडिएटली प्रोफेसर के रूप में उसको प्रमोशन दे दिया। ही हैज कंसिस्टेंटली सैफ्रनाइज्ड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एट द डिक्टेट ऑफ द आरएसएस। एक आखिरी पर महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहती हूं, स्टूडेंट्स यूनियन की एक चिट्ठी है जो 2 जनवरी को उन्होंने वाइस चांसलर को लिखा। दिस इज दैट लेटर। इस 2 जनवरी के चिट्ठी में स्टूडेंट्स यूनियन वाइस चांसलर को कह रहे हैं, आपने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी 1 तारीख को। रजिस्ट्रेशन में ये मैंडेटरी है कि आपको सारा फी जमा देना है। इट इज एक्चुअली अप्लाइंग द फी हाइक टू द बैकडोर। फिर भी छात्र यूनियन ने स्पष्ट रूप से लिखित में कह दिया कि आप रजिस्ट्रेशन करिए, आप नया सेमेस्टर चालू कीजिए, सिर्फ फी हाइक को आप लागू मत करिए। जो छात्र विश्वविद्यालय में शिक्षा नहीं चाहता, वाइस चांसलर कह रहे उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए वो राजी थे नए सेमेस्टर में, पर वाइस चांसलर के उनके चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। Now I come to the police action. आप लोगों ने टेलीविजन में देखा कि पुलिस खड़ी रही, लोग डंडे चलाते रहे, पथराव होता रहा, दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया। वाइस चांसलर का प्रेस रिलीज कहता है कि 4:30 बजे उन्होंने पुलिस को फोन किया। 4:30 बजे एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस को फोन किया, उनका अपना प्रेस रिलीज है 5 जनवरी का। पुलिस कहती है 7:45 तक हमें कोई परमिशन नहीं मिली कैंपस के अंदर जाने के लिए। अब कौन झूठ बोल रहा है, या वाइस चांसलर झूठ बोल रहे हैं या दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है, वो बीच एक दूसरे से तय कर ले कि झूठ कौन बोल रहा है। 3 FIR लॉज हुए, 003, 004, 006। आप उन FIRs को पढ़िए। जो 003, 004 है, दे आर फाइल्ड बाय द सिक्योरिटी कंपनी। जो सिक्योरिटी कंपनी एक बार नहीं, बार बार इन FIRs पे कह रही है कि CIS सिस्टम को तोड़ दिया। आई वॉन्ट टू पॉइंट आउट जस्ट वन थिंग, FIR में खुद सिक्योरिटी कंपनी कह रही है कि लोग नकाब डाल के, स्टूडेंट्स नकाब डाल के आए, उन्होंने CIS सिस्टम तोड़ दिया, पर 8 स्टूडेंट्स का वो नाम लेते हैं FIR में। मैं दिल्ली पुलिस से सवाल करती हूं कि आपने तीनों FIR में आपने डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन लगाया। आज अगर एक प्रोफेसर का सर फट जाता है जिसमें 16 टाके लगे हैं, सर पे वार हुआ है, आपने अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन क्यों नहीं लगाया? व्हाई इज देयर नो अटेम्प्ट टू मर्डर व्हेन द इंजरी इज अबव द वेस्ट ऑन द हेड ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट ऑफ सुचारिता सेन, शी हैज 16 स्टिचेस। आप किसको बचा रहे हैं?
आप किसको बचा रहे हैं, क्यों अटेम्प्ट टू मर्डर इसमें नहीं है? एक सीधा सीधा सवाल मैं दिल्ली पुलिस से करना चाहती हूं, मैं पूछना चाहती हूं दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कि आप आज ही प्रेस मीट करके बताइए सेक्शन 161 के अंडर आपने किन किन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। आई चैलेंज द कमिश्नर ऑफ पुलिस दैट टेल अस ऑल द पीपल जिनको चोट पहुंची है, जिनका सर फटा है, जिनका हार्ट टूटा है, किस किस का 161 में आपने स्टेटमेंट लिया है? क्या आपने स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट का 161 में स्टेटमेंट लिया है? क्या आपने सुचेता सेन प्रोफेसर का 161 में स्टेटमेंट लिया है? नहीं लिया उन्होंने खुद, जब उनसे कोई पूछताछ नहीं की कि उनका स्टेटमेंट नहीं लिया गया, उन्होंने खुद लिखित में पुलिस स्टेशन में उन्होंने अपना स्टेटमेंट भेजा। व्हाट काइंड ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इज दिस? What kind of an investigation is this? May I point out कि जो FIR security company ने दर्ज किया, कब किया? 5 तारीख को किया। किस वक्त किया? 20:39 and 20:43 on 5th means 8:39 and 8:43। ये क्या वक्त था 5 तारीख को? आप सब मीडिया कवरेज कर रहे थे, ये वही वक्त था सिक्योरिटी कंपनी कैंपस को सुरक्षित ना करके उस वक्त एफआईआर लॉन्च कर रही थी। वो एफआईआर में लिखा है वक्त जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बच्चे ट्रॉमा सेंटर में अपना चिकित्सा करा रहे थे। प्लीज नोट दिस, दिस एफआईआर वर फाइल्ड ऑन 5th व्हेन द स्टूडेंट्स वर इन द ट्रॉमा सेंटर टू क्रिएट रिकॉर्ड अगेंस्ट देम। आई वॉन्ट टू आस्क माई फ्रेंड्स इन द मीडिया कि ये सिक्योरिटी कंपनी, कि ये सिक्योरिटी कंपनी कैंपस की सुरक्षा के लिए थी कि कैंपस में जो वायलेंस हुआ 5 तारीख को या 5 तारीख से पहले, सिक्योरिटी कंपनी ने लगातार सिर्फ एक काम किया, उन्होंने एजिटेशन को तोड़ने की कोशिश की। ऐसे भी बयान आए हैं कि सिक्योरिटी कंपनी 1 जनवरी को खुद नकाब लगा के CIS सेंटर में गई। सिक्योरिटी कंपनी नकाब लगा के क्या कभी किसी कैंपस को सुरक्षित कर सकती है? दीज आर वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस। आई हैव नो डाउट आई एम नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दैट हैज पुलिस पावर्स। आई एम नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दैट हैज द पावर्स ऑफ एनी जुडिशियल कमीशन, पर ये बात तय है 5 तारीख शाम को 4:30 बजे के बाद या 6 बजे से जो घटना साबरमती हॉस्टल में घटी है, दैट इज प्री प्लान्ड, दैट इज प्री मेडिटेटेड। इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, इसमें वाइस चांसलर जुड़े हैं, इसमें वो फैकल्टी मेंबर्स जुड़े हैं जिन्होंने लाठी अपने घर से स्टूडेंट्स के हाथ में दिया। वॉट वॉज इज नेम? तपन बिहारी, जो पेरियार हॉस्टल के वार्डन है, उनके घर से ये मॉब निकली है। और ये बात तय है कि जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जहां साबरमती हॉस्टल के अंदर और बाहर हमला हुआ, बिजली किसने काटी? इफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डिसकनेक्टेड, आई हैव टू से दैट दिस अटैक वॉज स्टेट स्पॉन्सर्ड, दिस अटैक वॉज स्टेट स्पॉन्सर्ड, देर इज एब्सोल्यूटली नो डाउट अबाउट इट। और जिस तरह से अटैक हुआ, वो ABVP थे, SFI था, कौन था, ये सवाल इतना अहम नहीं है जितना ये सवाल है कि ये हुआ क्यों और इसको रोकने के लिए विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, दिल्ली पुलिस ने क्या किया। एक प्रेस मीट दिल्ली पुलिस ने की, वीडियो उन्होंने निकाला, उसको चला के देखिए, उसमें जिन 7 लोगों का वो लोगों की वो तस्वीर दिखा रहे हैं या वीडियो दिखा रहे हैं, दिल्ली पुलिस के कर्मचारी अफसर SFI का नाम ले रहे हैं, पर फ्रेंड्स ऑफ RSS का नाम लेने से दिल्ली पुलिस डर रही है उसी प्रेस मीट में। मैं दिल्ली पुलिस से पूछना चाहती हूं कि आपका कर्तव्य क्या है? आप RSS का नाम लेने से क्यों डर रहे हैं? ABVP संगठन का नाम लेने से क्यों डर रहे हैं? आप यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट बोल गए, आप SFI बोल गए,
क्या आप में इतनी ताकत नहीं है कि एबीवीपी का नाम तक अपनी जुबान पे लाए आप एक प्रेस मीट में? मैं दिल्ली पुलिस से पूछना चाहती हूं कि आपको इस वर्दी को जनता की सुरक्षा के लिए दिया है, आरएसएस की सुरक्षा के लिए नहीं दी है। दिल्ली पुलिस इज टर्निंग इनटू अ फोर्स दैट इज वर्किंग एट द डिक्टेट्स ऑफ आरएसएस एंड द होम मिनिस्टर हु कंसिस्टेंटली टॉक्स अबाउट टुकड़े टुकड़े गैंग। दिल्ली पुलिस इज पार्ट ऑफ दैट नैरेटिव एंड इट्स अ शेम। आई वांट टू टेल द व्यूअर्स ऑफ योर चैनल दैट दिल्ली पुलिस कुड नॉट प्रोटेक्ट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड दे विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट आवर स्टूडेंट्स और आवर पीपल एनीवेयर इन द कंट्री। आई वुड लाइक टू स्टेट एट द एंड दैट the human resource ministry has totally failed to intervene in this. Human resource ministry was compelled to transfer Mr. Subramaniam, who is the secretary, who was talking to and trying to lead that high powered committee. Vice chancellor ki aisi kya taakat hai ki wo HRD ministry ke committee ke samne tak nahi jate, aur jo framework taiyar karne ki koshish kar rahi thi HRD ministry, आप मिनिस्ट्री को तो छोड़िए, वाइस चांसलर की इतनी ताकत है कि वो एक सेक्रेटरी ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री की सुब्रमण्यम जी का वो हटा देते हैं उस पोस्ट से। दिस इज द पावर ऑफ द वाइस चांसलर। लेट मी से इट कैटेगोरिकली, द वाइस चांसलर इज अ कैंसर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड इट्स स्प्रेडिंग फास्ट। एंड आई थैंक द पीपल ऑफ दिल्ली, शर्मिष्ठा जी बोलेंगी, मैं दिल्ली की जनता को के प्रति आभार व्यक्त करती हूं कि 5 तारीख के हादसे के बाद अगर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अब तक जिंदा है, उसमें बच्चे सांस ले रहे हैं, इसका एक ही कारण है कि दिल्ली के लोग सड़कों पर उतरे, वरना वाइस चांसलर ने तो इस विश्वविद्यालय को बंद करने का पूरा प्लानिंग कर लिया था। दिस वाइस चांसलर शुड नॉट बी इन ऑन कैंपस, दिस वाइस चांसलर शुड बी इन जेल। दैट्स वॉट the fact finding committee feels and we stand by it. This vice chancellor with the faculty members who are associated with the RSS should be behind bars, aur Delhi police ka ye kartavya hai ki criminal investigation unke khilaf honi chahiye। Congress party ki taraf se main ye kahungi, kal Shrimati Sonia Gandhi ji ko jab humne report di, unhone Venu Gopal ji ko ye रिक्वेस्ट किया है कि कांग्रेस के जो वकील हैं, लीगल सेल है और जो बाकी लीडर्स हैं, उनके साथ डिस्कस करके हाउ टू टेक दिस फॉरवर्ड, वी विल डिस्कस इट। और मैं ये आप सबको आज इस मंच से कहना चाहती हूं कि वी विल फाइट फॉर द स्टूडेंट्स ऑन कैंपस, ऑन एवरी कैंपस, चाहे वो कोई भी कैंपस हो, बिकॉज कैंपस आर टर्निंग इन टू वॉर जोन्स बिकॉज ऑफ द एजेंडा ऑफ दिस गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ द एजेंडा ऑफ द आरएसएस, एंड वी विल फाइट अगेंस्ट इट टिल दिस एंड्स। अगर आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। प्रणव जी से मैं निवेदन करूंगी कि जो फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन है वो आप सर्क्यूलेट कर दें कागज के साथ। और मैं आप सबसे एक विनम्र निवेदन करती हूं कि रजिस्ट्रार का प्रेस रिलीज को सिर्फ पढ़िएगा नहीं, उसको पढ़ के देखिएगा। इट रीक्स ऑफ बायस। ही डजंट इवन मेंशन साबरमती हॉस्टल। दैट इटसेल्फ टू माय माइंड इज अ ओपन एंड शट केस ऑफ द वाइस चांसलर्स बायस। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू गिव यू द रेजोल्यूशन पास्ड बाय द स्टूडेंट्स यूनियन जनरल बॉडी मीटिंग डेटेड 4 December, एंड द जनरल बॉडी ऑफ अ यूनियन इज द हाइएस्ट बॉडी वेर यूनानिमसली अ डिसीशन वॉज टेकन टू प्रोटेस्ट। ये किसी एक व्यक्ति, ये किसी एक दल या किसी ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन नहीं था, ये जनरल बॉडी का डिसीजन था जो स्टूडेंट्स यूनियन और स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इसमें
इसमें आपको जवाब मिलेगा कि एबीवीपी इस प्रोटेस्ट से क्यों हट गई। एबीवीपी इस प्रोटेस्ट से इसलिए हट गई क्योंकि इस जनरल बॉडी रेजोल्यूशन में उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट को कंडेम किया है, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री को कंडेम किया है, और यही एक कारण है कि एबीवीपी इस आंदोलन के खिलाफ है क्योंकि वो सरकार के साथ खड़ी है, यूनिवर्सिटी के साथ नहीं खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। Look, this vice chancellor is a mastermind. He's masterminded the whole thing. If vice chancellor really wants the university to resume classes and carry on normally, I request the vice chancellor to roll back the fee and discuss it with the students. Let me give you a very tangible reason for it. The Jawaharlal Nehru University's annual report says 40% of the students who study in Jawaharlal Nehru University come from families whose monthly income is below 12,000 rupees. This is Jawaharlal Nehru University's own annual report. If the fee hike is designed in a way to shift the burden of the larger part of the fee on the students, that he ends up paying about 7,000 rupees per month, do you expect that these students from poor families, as per JNU's own assertion, will come back to JNU? The vice chancellor has to understand ki sir to aapne phod diye, tange bhi tod di, haathon ko bhi tod diya, laathiyan bhi chal gayi, sab kuch ho gaya, at least shiksha ka adhikar to unse mat chheeniye. Can the vice chancellor explain why he changed the fee structure in a manner that now the entire basis of the fee structure is self-financing by the students and not the university? Why? Let him answer that. Agar uska jawab wo denge, to mera manna hai ki students will definitely come forward. मैंने 2 जनवरी की चिट्ठी के माध्यम से आपको दिखा दिया है, स्टूडेंट्स यूनियन ने कभी भी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ या पढ़ाई लिखाई बंद करने के पक्ष में उन्होंने आवाज नहीं उठाई। पर फी हाइक के माध्यम से जो आप इस यूनिवर्सिटी को सिर्फ रिच क्लास को और एफ्लुएंट क्लास के लिए इस यूनिवर्सिटी को परिवर्तन करना चाहते हैं, दैट इज अगेंस्ट द वेरी बेसिस ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। एंड आई वॉन्ट टू टेल द वाइस चांसलर, अगर आपने फी रोल बैक भी किया और बच्चे अगर विश्वविद्यालय में पढ़ने भी गए, आपने जिनका सर फोड़ा और जिनको यूनिवर्सिटी के अंदर आके स्टूडेंट्स पे का सर फोड़ने का जो आपने फैसिलिटेशन की, दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड अंडर नो सर्कमस्टेंसेस विल यू बी एब्डिकेटेड और शुड यू बी एब्डिकेटेड फ्रॉम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो मैं नहीं कह रही, वो देश का कानून कहता है और दिल्ली पुलिस को मेरी चेतावनी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से चेतावनी कि खबरदार अगर आपने आईपीसी के वो सेक्शन ना लगाए जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर है, ग्रीवियस बॉडीली हार्म है और कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन लगा के वाइस चांसलर का नाम लिखना आवश्यक है। Do anything related to JNU? Well, I can't. There is no decision to say he will do this or that. But I assure you that he will peruse the committee report, and whatever the next course of action, he is going to be instrumental in it. And let's not forget that the last time when he went to JNU, what was the narrative that was created? And this vice chancellor was at that time also the vice chancellor of Jawaharlal Nehru University. We stand by the students, we stand by the protest against fee hike. Rahul Gandhi ji will support every legitimate demand, just like the Congress president has
लेट देयर बी नो डाउट ऑन दैट अकाउंट. नीरज देखिए, पहली बात तो प्रधानमंत्री जी ने असम का नाम करीब 6 बारी लिया पर वो असम पहुंच नहीं पाए. वो बंगाल से ही असम को भाषण दे रहे हैं पहली बात, और उसका क्या कारण है आप सब जानते हैं. दूसरी बात, आज युवा दिवस है, हम सब ने स्वामी विवेकानंद का नाम लिया, सबको बधाई दी देश के युवाओं को, और युवा दिवस का ही दिन चुना प्रधानमंत्री ने इस देश के युवाओं को अज्ञान उनके अज्ञान के बारे में प्रधानमंत्री आज के दिन ही बोले. और गुमराह उस विद्यार्थी को, उस युवा को आप नहीं कर सकते जो अपना संविधान जानता है और जिसको लोकसभा के किसी भी कानून को पढ़ना आता है. संविधान युवा की सोच में है. और मैं प्रधानमंत्री जी को कहूंगी कि आज आपको देश की युवा को अभिनंदन और नमन करना चाहिए था, और उसी युवाओं का आपने आज पश्चिम बंगाल से अपमान किया. आप सब अवगत हैं कि 6 तारीख शाम को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बिठाई. उसमें हमारे माननीय सांसद नासिर जी थे, हाइबी ईडन जो केरला से सांसद हैं, फॉर्मर NSOI प्रेसिडेंट अमृता धवन जी थी, और मैं भी उस कमेटी की एक मेंबर बनाई गई. हमने 8 तारीख को हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस में गए करीब 1 बजे. हमने कई छात्रों से बात की, फैकल्टी मेंबर्स से बात की, कर्मचारियों से बात की, और उनकी सुनवाई हमने उसकी हमने वीडियो रिकॉर्डिंग करी है वर्बटम. उसके बाद हमने ये रिपोर्ट बनाई है. वाइस चांसलर को मैंने खुद फ़ोन किया, उनका फ़ोन बिजी था, उनको SMS किया कि आपका पक्ष भी हम सुनना चाहते हैं, पर उनका कोई जवाब नहीं आया. इसके अलावा AVVP के कुछ एक्टिविस्ट, मैं आपको नाम दे दूंगी लिस्ट जिनसे हमने बात की, उनको भी हमने बुलाया कि आप हमसे बात करें, पर उन्होंने कहा कि ये सब जुडिस है, FIR है, हम इस पर नहीं बोल सकते. अब सवाल ये उठता है कि JNU में 5 तारीख की शाम को जो घटना हुई उसमें क्या हुआ, क्या हालात थे, किस तरह की घटना हुई, इसको लेकर हमने अपने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में कुछ फाइंडिंग्स दिए हैं और रिकमेंडेशंस हमने दिए हैं. ये तय है कि जो भी रिकमेंडेशन और फाइंडिंग्स हमने लिखित में सोनिया गांधी जी को कल शाम को दिया है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हर्ड ऑन द यूनिवर्सिटी, व्हाट वी सॉ ऑन द यूनिवर्सिटी, एंड हमने पूरी कोशिश की है कि सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर निर्भर ना करके ये फाइंडिंग्स हमने लिखी है. मैं आपको रिकमेंडेशंस पहले संक्षिप्त में बता देती हूँ, और फैक्ट फाइंडिंग थोड़ा लंबा है, उसको मैं समराइज करके ताकि आप समझ लें उसको, मैं उसको समझा दूंगी. पहला है कि वाइस चांसलर जगदेश कुमार should be dismissed immediately. A independent inquiry should be set up to look at all the appointments. उनकी नियुक्ति 27 जनवरी 2016 को हुई, तब से लेकर अब तक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जितने भी नियुक्ति हुई है फैकल्टी में उसका इन्वेस्टिगेशन हो, उनके हर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीशंस की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो एलोकेशंस किए हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है उसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए. 2 नंबर, ये महत्वपूर्ण है, हम कह रहे हैं कि वाइस चांसलर और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं जो 5 तारीख की घटना से जुड़े हुए हैं, वाइस चांसलर, फैकल्टी मेंबर्स एंड द सिक्योरिटी कंपनी, तीनों के ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि 5 तारीख को चाहे वो पेरियार हॉस्टल में हो, चाहे वो साबरमती के हॉस्टल में हो, या हॉस्टल के बाहर जो भी घटनाएं घटी, दे शुड बी
अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन नॉट जस्ट अ सिविल इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज 5 तारीख को जो हुआ, 5 तारीख को जो हमला हुआ, चाहे वो कहीं भी हुआ हो, चाहे वो किसी ने भी किया हो, सवाल ये उठता है कि इसमें एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है. वाइस चांसलर, सिक्योरिटी कंपनी एंड फैकल्टी विच इज कंप्लिसिट इन दिस इंसिडेंट मस्ट बी सब्जेक्टेड टू अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड नॉट अ सिविल इन्वेस्टिगेशन. दूसरी बात, कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है उनके उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी, मुझे मैं मानती हूं कि ही शुड बी मेड अकाउंटेबल फॉर व्हाट हैपेंड ऑन 5th. नॉट जस्ट SHO, नॉट जस्ट द ACP, नॉट जस्ट द कॉन्स्टेबल्स हु आर ऑन द कैंपस. जिस तरह की घटना हुई, मैं फाइंडिंग्स में आपको बताऊंगी, नो वन शॉर्ट ऑफ द कमिश्नर ऑफ पुलिस शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस. हमारा ये भी रिकमेंडेशन है कि जो फी हाइक विश्वविद्यालय में हुआ 28 अक्टूबर 2019 में, उसको पास किया गया इंटर हॉल एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी के माध्यम से और फिर 13 नवंबर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने उसको पास किया. दिस फी हाइक मस्ट बी रोल्ड बैक, इसका रोल बैक होना चाहिए. इसके कई कारण हैं. सबसे पहला कारण है कि विश्वविद्यालय के अपने रूल्स में यह है कि इंटर हॉल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन होना मैंडेटरी है और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स यूनियन को उस कमेटी में हिस्सा नहीं लेने दिया गया क्योंकि वाइस चांसलर ने स्टूडेंट्स यूनियन को रिकग्नाइज ही नहीं किया. इसके बावजूद कि हाई कोर्ट ने 17 सितंबर को ऑर्डर के माध्यम से कहा था कि आप इलेक्शन को डिक्लेयर करें. दिस फी हाइक इज अनफेयर फॉर टू रीजंस. इट, ध्यान से सुनिए, इस फी हाइक के बाद जवाहरलाल यूनिवर्सिटी हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री एंड नॉट ओनली हैज इट बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी इन द कंट्री, इट दिस फी हाइक हैज बीन अराइव्ड एट विदाउट कंसल्टेशंस विद द स्टूडेंट्स. ये हमारी फाइंडिंग्स है. इसके अलावा मैं सर, ये हमारे रिकमेंडेशंस हैं. अब जो फैक्ट फाइंडिंग है उसको मैं संक्षिप्त में बताऊंगी और मेरे कुछ सवाल हैं. आई हैव सर्टेन क्वेश्चंस आई वांट टू पोस्ट टू द वाइस चांसलर जिन्होंने हमसे मिलने से मना कर दिया या हमसे कांटेक्ट नहीं किया. इन सवालों का जवाब वो दें, किसी भी टेलीविजन शो में अगर वो जाएंगे आज के बाद, इन सवालों का जवाब जरूर दें. पहली बात, 5 तारीख की शाम को रजिस्ट्रार ने एक प्रेस रिलीज इशू किया. वो प्रेस रिलीज ये है. 6 तारीख को इस प्रेस रिलीज में जो 2 पन्नों का है, रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर है, वो उस प्रेस रिलीज में कहीं भी साबरमती हॉस्टल का नाम नहीं लेते. मेरे मीडिया के दोस्तों से सवाल है कि 5 तारीख को जो घटना घटी, साबरमती हॉस्टल का नाम सबके जुबान पे थी, जहां पे स्टूडेंट्स यूनियन की अध्यक्षा का सर फोड़ा गया, जहां प्रोफेसर सुचारिता सेन का सर फोड़ा गया, जिस हॉस्टल में घुसकर जिसका वीडियो पूरा देश ने देखा है, वो साबरमती हॉस्टल था. पर वाइस चांसलर के इस प्रेस रिलीज में, रजिस्ट्रार के इस प्रेस रिलीज में साबरमती शब्द कहीं नहीं है, सिर्फ पेरियार हॉस्टल है. क्यों? उसका जवाब वाइस चांसलर दे. दूसरा सवाल मैं पूछना चाहती हूं, वो खुद इस प्रेस रिलीज में लिखते हैं कि 3 तारीख को जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम जहां है उसको स्टूडेंट्स ने, जो एजिटेट कर रहे, उन्होंने तोड़ दिया. करेक्ट, वी आर ऑल अवेयर ऑफ दिस. वो खुद इसमें कहते हैं कि 4 तारीख सुबह हमने फिर उस सिस्टम को चालू कर दिया जिसकी वजह से हजारों स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन की. राइट और रॉन्ग, वी हैव ऑल हर्ड दिस. पर 5 तारीख को वो कहते हैं, 4 तारीख को 1 बजे स्टूडेंट्स ने फिर अपना सिस्टम डाउन कर दिया. मैं कुलपति से ये पूछना चाहती हूं,
कि 3 तारीख को अगर स्टूडेंट्स ने डिस्कनेक्ट किया, 4 तारीख सुबह आपने जारी किया, 4 तारीख 1 बजे फिर स्टूडेंट्स ने उसको अगर डिस्कनेक्ट कर दिया, तो 5 तारीख से पहले आपने उसको चालू क्यों नहीं किया? क्या आपको मालूम था कि 5 तारीख को गुंडे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर अपना लाठी पत्थर और हथौड़ा लेके आएंगे, जिसका सीसीटीवी कवरेज अगर रहेगा तो उसका प्रभाव एबीवीपी के एक्टिविस्ट पे पड़ेगा? सिंपल क्वेश्चन, इफ यू कैन रीइंस्टेट द इंटरनेट कनेक्शन एंड द सीआईएस सिस्टम ऑन द 4th मॉर्निंग, व्हाई डिड यू नॉट रीइंस्टेट दैट कनेक्शन ऑन 5th मॉर्निंग? Did you know that there was going to be a violent attack in JNU because of which you wanted to ensure that there is no CCTV coverage? तीसरा सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि वाइस चांसलर लगातार टेलीविजन पे कह रहे हैं कि मैं उन छात्रों के पास खड़ा हूँ, उन छात्रों के साथ हूँ जो इस विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, और जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं चाहते। आज मैं वाइस चांसलर से सीधा सीधा सवाल करती हूँ, 12 दिसंबर से 2019 एग्जाम्स वर ड्यू टू बी स्टार्टेड। आप लोगों ने इस देश के इतिहास में कभी सुना है कि एक विश्वविद्यालय के कुलपति एग्जामिनेशन व्हाट्सएप पे कराना चाह रहे हैं? ही एक्चुअली सेंट आउट अ सर्कुलर टू से that examinations of a prestigious university like Jawaharlal Nehru University should be held on WhatsApp and email. This is the letter of the Teachers Association to the President of India saying you are making a mockery of Jawaharlal Nehru University. जो कुलपति शिक्षा के पक्ष में काम कर रहा है वो क्या यूनिवर्सिटी एग्जाम व्हाट्सएप पे कराना चाहते हैं? आप सवाल व्हाट्सएप पे भेजोगे, छात्र कहां पे उसका जवाब लिखेगा? क्या नकल कर रहा है? क्या वही छात्र उसका जवाब दे रहा है? इसका कोई सिस्टम नहीं है। जो फॉरेन लैंग्वेजेस का एग्जाम होता है वो ओरली होता है, क्या आप ओरल एग्जाम भी व्हाट्सएप पे कराएंगे? डज ही हैव एनी आंसर अ वाइस चांसलर हु सेज ही इज इन फेवर ऑफ एग्जाम? ये टीचर्स एसोसिएशन की चिट्ठी भी हम आपको प्रेस मीट के बाद देंगे। फी हाइक को लेकर 70 दिन से ज्यादा जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उस फी हाइक को जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने 13-11 को पास किया, इसकी सभा कहां हुई थी आप लोगों को पता है? उन्होंने सुबह 10 बजे का मीटिंग बुलाया कैंपस के अंदर, जब लोग पहुंचे पता लगा कि वेन्यू बदल के आईटीओ पे चला गया है। आईटीओ पे 4 या 5 लोग पहुंचे जो वाइस चांसलर के समर्थक है, और उन्होंने फी हाइक पास कर दिया। कैन यू इमेजिन ए वेन्यू ऑफ अ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी विच इज द हाईएस्ट बॉडी ऑफ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिफ्ट्स इट्स वेन्यू फ्रॉम द कैंपस टू आईटीओ और वेर एवर इन द मॉर्निंग ऑफ द मीटिंग एंड पासेस द फी हाइक। ये सच्चाई है, और ये चीजें आज तक न्यूज पे नहीं आई है, सिर्फ वाइस चांसलर के ही इंटरव्यू आ रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ने 17-11 को हाई पावर्ड कमेटी का एक गठन किया कि जेएनयू कैंपस में पढ़ाई शुरू हो, आंदोलन खत्म हो। वाइस चांसलर रिफ्यूज टू गो बिफोर दिस कमेटी, ही वांटेड नो रेजोल्यूशन। उन्होंने जान के डेडलॉक को रखा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। इसका क्या कारण है? जब से उनकी नियुक्ति हुई है, कम से कम 100 फैकल्टी मेंबर्स जो आरएसएस माइंडेड है, जो पहले एबीवीपी के कार्यकर्ता थे, उनकी नियुक्ति उन्होंने की है। टू गिव वन एग्जांपल, धनंजय सिंह जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सॉरी जो चीफ प्रॉक्टर हैं, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर थे वो, और असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनने के लिए एसोसिएट प्रोफेसर बनने की जरूरत है, जिसको सेंट्रल मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया, पर वाइस चांसलर ने एक एसोसिएट प्रोफेसर को इमीडिएटली प्रोफेसर के रूप में उसको प्रमोशन दे दिया। ही हैज कंसिस्टेंटली सैफ्रनाइज्ड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एट द डिक्टेट ऑफ द आरएसएस। एक आखिरी पर महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहती हूं, स्टूडेंट्स यूनियन की एक चिट्ठी है जो 2 जनवरी को उन्होंने वाइस चांसलर को लिखा। दिस इज दैट लेटर।
इस 2 जनवरी की चिट्ठी में स्टूडेंट्स यूनियन वाइस चांसलर को कह रहे हैं, आपने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी 1 तारीख को, रजिस्ट्रेशन में ये मैंडेटरी है कि आपको सारा फी जमा देना है, इट इज एक्चुअली अप्लाइंग द फी हाइक टू द बैक डोर। फिर भी छात्र यूनियन ने स्पष्ट रूप से लिखित में कह दिया कि आप रजिस्ट्रेशन करिए, आप नया सेमेस्टर चालू कीजिए, सिर्फ फी हाइक को आप लागू मत करिए। जो छात्र विश्वविद्यालय में शिक्षा नहीं चाहता, वाइस चांसलर कह रहे उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए वो राजी थे नए सेमेस्टर में, पर वाइस चांसलर के उनके चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। नाउ आई कम टू द पुलिस एक्शन। आप लोगों ने टेलीविजन में देखा कि पुलिस खड़ी रही, लोग डंडे चलाते रहे, पथराव होता रहा, दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया। वाइस चांसलर का प्रेस रिलीज कहता है कि 4:30 बजे उन्होंने पुलिस को फोन किया, 4:30 बजे एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस को फोन किया, उनका अपना प्रेस रिलीज है 5 जनवरी का। पुलिस कहती है 7:45 तक हमें कोई परमिशन नहीं मिली कैंपस के अंदर जाने के लिए। अब कौन झूठ बोल रहा है, या वाइस चांसलर झूठ बोल रहे हैं या दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है, वो बीच एक दूसरे से तय कर ले कि झूठ कौन बोल रहा है। 3 FIR लॉज हुए, 003, 004, 006। आप उन FIRs को पढ़िए। जो 003, 004 है, दे आर फाइल्ड बाय द सिक्योरिटी कंपनी। जो सिक्योरिटी कंपनी एक बार नहीं, बार बार इन FIRs पे कह रही है कि CIS सिस्टम को तोड़ दिया। आई वॉन्ट टू पॉइंट आउट जस्ट वन थिंग, FIR में खुद सिक्योरिटी कंपनी कह रही है कि लोग नकाब डाल के, स्टूडेंट्स नकाब डाल के आए, उन्होंने CIS सिस्टम तोड़ दिया, पर 8 स्टूडेंट्स का वो नाम लेते हैं FIR में। मैं दिल्ली पुलिस से सवाल करती हूं कि आपने तीनों FIR में आपने डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन लगाया। आज अगर एक प्रोफेसर का सर फट जाता है जिसमें 16 टाके लगे हैं, सर पे वार हुआ है, आपने अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन क्यों नहीं लगाया? व्हाई इज देयर नो अटेम्प्ट टू मर्डर व्हेन द इंजरी इज अबव द वेस्ट ऑन द हेड ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट ऑफ सुचारिता सेन, शी हैज 16 स्टिचेस। आप किसको बचा रहे हैं? क्यों अटेम्प्ट टू मर्डर इसमें नहीं है? एक सीधा सीधा सवाल मैं दिल्ली पुलिस से करना चाहती हूं। मैं पूछना चाहती हूं दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कि आप आज ही प्रेस मीट करके बताइए सेक्शन 161 के अंडर आपने किन किन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। आई चैलेंज द कमिश्नर ऑफ पुलिस दैट टेल अस ऑल द पीपल जिनको चोट पहुंची है, जिनका सर फटा है, जिनका हार्ट टूटा है, किस किस का 161 में आपने स्टेटमेंट लिया है? क्या आपने स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट का 161 में स्टेटमेंट लिया है? क्या आपने सुचरिता सेन प्रोफेसर का 161 में स्टेटमेंट लिया है? नहीं लिया। उन्होंने खुद, जब उनसे कोई पूछताछ नहीं की कि उनका स्टेटमेंट नहीं लिया गया, उन्होंने खुद लिखित में पुलिस स्टेशन में उन्होंने अपना स्टेटमेंट भेजा। What kind of an investigation is this? May I point out कि जो FIR सिक्योरिटी कंपनी ने दर्ज किया, कब किया? 5 तारीख को किया। किस वक्त किया? 20:39 एंड 20:43 ऑन 5th, means 8:39 एंड 8:43। ये क्या वक्त था 5 तारीख को? आप सब मीडिया कवरेज कर रहे थे, ये वही वक्त था सिक्योरिटी कंपनी कैंपस को सुरक्षित ना करके उस वक्त FIR लॉन्च कर रही थी। वो FIR में लिखा है वक्त जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बच्चे ट्रॉमा सेंटर में अपना चिकित्सा करा रहे थे। प्लीज नोट दिस, दिस FIRs वर फाइल्ड ऑन 5th व्हेन द स्टूडेंट्स वर इन द ट्रॉमा सेंटर टू क्रिएट रिकॉर्ड अगेंस्ट देम। आई वांट टू आस्क माय फ्रेंड्स इन द मीडिया कि ये सिक्योरिटी कंपनी कैंपस की सुरक्षा के लिए थी कि कैंपस में जो वायलेंस हुआ 5 तारीख को या 5 तारीख से पहले, सिक्योरिटी कंपनी ने लगातार सिर्फ एक काम किया, उन्होंने एजिटेशन को तोड़ने की कोशिश की।
ऐसे भी बयान आए हैं कि सिक्योरिटी कंपनी एक जनवरी को खुद नकाब लगा के सीआईएस सेंटर में गई। सिक्योरिटी कंपनी नकाब लगा के क्या कभी किसी कैंपस को सुरक्षित कर सकती है? दीज आर वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस। आई हैव नो डाउट आई एम नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दैट हैज पुलिस पावर्स। आई एम नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दैट हैज द पावर्स ऑफ एनी जुडिशियल कमीशन। पर ये बात तय है, 5 तारीख शाम को 4:30 बजे के बाद या 6 बजे से जो घटना साबरमती हॉस्टल में घटी है, दैट इज प्री प्लान्ड, दैट इज प्री मेडिटेटेड। इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, इसमें वाइस चांसलर जुड़े हैं, इसमें वो फैकल्टी मेंबर्स जुड़े हैं जिन्होंने लाठी अपने घर से स्टूडेंट्स के हाथ में दिया। व्हाट वाज हिज नेम? तपन बिहारी, जो पेरियार हॉस्टल के वार्डन है, उनके घर से ये मॉब निकली है। और ये बात तय है कि जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जहां साबरमती हॉस्टल के अंदर और बाहर हमला हुआ, बिजली किसने काटी? इफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डिसकनेक्टेड, आई हैव टू से दैट दिस अटैक वॉज स्टेट स्पॉन्सर्ड। दिस अटैक वॉज स्टेट स्पॉन्सर्ड, देर इज एब्सोल्यूटली नो डाउट अबाउट इट। और जिस तरह से अटैक हुआ, वो एबीवीपी थे, SFI था, कौन था, ये सवाल इतना अहम नहीं है जितना ये सवाल है कि ये हुआ क्यों और इसको रोकने के लिए विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, दिल्ली पुलिस ने क्या किया। एक प्रेस मीट दिल्ली पुलिस ने की, वीडियो उन्होंने निकाला, उसको चला के देखिए। उसमें जिन 7 लोगों का वो लोगों की वो तस्वीर दिखा रहे हैं या वीडियो दिखा रहे हैं, दिल्ली पुलिस के कर्मचारी अफसर SFI का नाम ले रहे हैं, पर फ्रेंड्स ऑफ RSS का नाम लेने से दिल्ली पुलिस डर रही है। उसी प्रेस मीट में मैं दिल्ली पुलिस से पूछना चाहती हूं कि आपका कर्तव्य क्या है? आप RSS का नाम लेने से क्यों डर रहे हैं? ABVP संगठन का नाम लेने से क्यों डर रहे हैं? आप यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट बोल गए, आप SFI बोल गए, क्या आप में इतनी ताकत नहीं है कि ABVP का नाम तक अपनी जुबान पे लाए आप एक प्रेस मीट में? मैं दिल्ली पुलिस से पूछना चाहती हूं कि आपको इस वर्दी को जनता की सुरक्षा के लिए दिया है, RSS की सुरक्षा के लिए नहीं दी है? दिल्ली पुलिस इज टर्निंग इनटू अ फोर्स दैट इज वर्किंग एट द डिक्टेट्स ऑफ RSS एंड द होम मिनिस्टर हु कंसिस्टेंटली टॉक्स अबाउट टुकड़े टुकड़े गैंग। दिल्ली पुलिस इज पार्ट ऑफ दैट नैरेटिव एंड इट्स अ शेम। आई वांट टू टेल द व्यूअर्स ऑफ योर चैनल दैट दिल्ली पुलिस कुड नॉट प्रोटेक्ट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड दे विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट our students or our people anywhere in the country. I would like to state at the end that the human resource ministry has totally failed to intervene in this. Human resource ministry was compelled to transfer Mr. Subramaniam, who is the secretary, who was talking to and trying to lead that high powered committee. वाइस चांसलर की ऐसी क्या ताकत है कि वो HRD मिनिस्ट्री के कमेटी के सामने तक नहीं जाते? और जो फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिश कर रही थी HRD मिनिस्ट्री, आप मिनिस्ट्री को तो छोड़िए, वाइस चांसलर की इतनी ताकत है कि वो एक सेक्रेटरी ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री की सुब्रमण्यम जी का वो हटा देते हैं उस पोस्ट से। दिस इज द पावर ऑफ द वाइस चांसलर। लेट मी सेट कैटेगोरिकली, द वाइस चांसलर इज अ कैंसर of Jawaharlal Nehru University and it's spreading fast. And I thank the people of Delhi. Sharmishta ji bolengi, main Delhi ki janta ko ke prati aabhar vyakt karti hu ki 5 tarikh ke hadse ke baad agar Jawaharlal Nehru University ab tak zinda hai, usme bacche saans le rahe hain, iska ek hi karan hai ki Delhi ke log sadkon pe utre, warna vice chancellor ne to is vishwavidyalay ko band karne ka pura planning kar liya tha. This vice chancellor should not be in on campus
दिस वाइस चांसलर शुड बी इन जेल. दैट्स व्हाट द फैक्ट फाइंडिंग कमिटी फील्स एंड वी स्टैंड बाय इट. वी स्टैंड बाय इट. दिस वाइस चांसलर विथ द फैकल्टी मेंबर्स हु आर एसोसिएटेड विथ द आरएसएस शुड बी बिहाइंड बार्स. और दिल्ली पुलिस का यह कर्तव्य है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ होनी चाहिए. कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं ये कहूंगी, कल श्रीमती सोनिया गांधी जी को जब हमने रिपोर्ट दी, उन्होंने वेणुगोपाल जी को ये रिक्वेस्ट किया है कि कांग्रेस के जो वकील हैं, लीगल सेल है और जो बाकी लीडर्स हैं, उनके साथ डिस्कस करके हाउ टू टेक दिस फॉरवर्ड, हाउ टू टेक दिस फॉरवर्ड, वी विल डिस्कस इट. और मैं ये आप सबको आज इस मंच से कहना चाहती हूं कि वी विल फाइट फॉर द स्टूडेंट्स ऑन कैंपस, ऑन एवरी कैंपस, चाहे वो कोई भी कैंपस हो, बिकॉज कैंपस आर टर्निंग इनटू वॉर जोन्स बिकॉज ऑफ द एजेंडा ऑफ दिस गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ द एजेंडा ऑफ द आरएसएस, एंड वी विल फाइट अगेंस्ट इट टिल दिस एंड्स. अगर आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं. प्रणव जी से मैं निवेदन करूंगी कि जो फाइंडिंग्स और रिकमेंडेशन है वो आप सर्कुलेट कर दें कागज के साथ. और मैं आप सबसे एक विनम्र निवेदन करती हूं कि रजिस्ट्रार का प्रेस रिलीज को सिर्फ पढ़िएगा नहीं, उसको परख के देखिएगा. इट रीक्स ऑफ बायस. ही डजंट इवन मेंशन साबरमती हॉस्टल. That itself, to my mind, is an open and shut case of the Vice Chancellor's bias. Thank you very much for listening to me patiently. And I am also going to give you the resolution passed by the Students' Union General Body meeting dated... Kya date tha? Dated 4th December. And the General Body of a Union is the highest body. Where unanimously a decision was taken to protest, ये किसी एक व्यक्ति, ये किसी एक दल या किसी organisation का decision नहीं था, ये general body का decision था जो students union और students protest कर रहे थे. और इसमें आपको जवाब मिलेगा कि ABVP इस protest से क्यों हट गई. ABVP इस protest से इसलिए हट गई क्योंकि इस general body resolution में उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट को कंडेम किया है, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री को कंडेम किया है. और यही एक कारण है कि एबीवीपी इस आंदोलन के खिलाफ है क्योंकि वो सरकार के साथ खड़ी है, यूनिवर्सिटी के साथ नहीं खड़ी है. बहुत बहुत धन्यवाद. Look, this vice chancellor is a mastermind. He's masterminded the whole thing. If vice chancellor really wants the university to resume classes and carry on normally, I request the vice chancellor to roll back the fee and discuss it with the students. Let me give you a very tangible reason for it. The Jawaharlal Nehru University's annual report says 40% of the students who study in Jawaharlal Nehru University come from families whose monthly income is below 12,000 rupees. This is Jawaharlal Nehru University's own annual report. If the fee hike is designed in a way to shift the burden of the larger part of the fee on the students, that he ends up paying about 7,000 rupees per month, do you expect that these students from poor families, as per JNU's own assertion, will come back to JNU? The vice chancellor has to understand ki sir to aapne phod diye, tange bhi tod di, haathon ko bhi tod diya, laathiyan bhi chal gayi, sab kuch ho gaya. एटलीस्ट शिक्षा का अधिकार तो उनसे मत छीनिए. कैन द वाइस चांसलर एक्सप्लेन व्हाई ही चेंज द फी स्ट्रक्चर इन अ मैनर दैट नाउ द एंटायर बेसिस ऑफ द फी स्ट्रक्चर इज सेल्फ फाइनेंसिंग बाय द स्टूडेंट्स एंड नॉट द यूनिवर्सिटी. व्हाई
लेट हिम आंसर दैट. अगर उसका जवाब वो देंगे तो मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली कम फॉरवर्ड. मैंने 2 जनवरी की चिट्ठी के माध्यम से आपको दिखा दिया है, स्टूडेंट्स यूनियन ने कभी भी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ या पढ़ाई लिखाई बंद करने के पक्ष में उन्होंने आवाज नहीं उठाई. पर फी हाइक के माध्यम से जो आप इस यूनिवर्सिटी को सिर्फ रिच क्लास को और एफ्लुएंट क्लास के लिए इस यूनिवर्सिटी को परिवर्तन करना चाहते हैं, दैट इज अगेंस्ट द वेरी बेसिस ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी. एंड आई वॉन्ट टू टेल द वाइस चांसलर, अगर आपने फी रोल बैक भी किया और बच्चे अगर विश्वविद्यालय में पढ़ने भी गए, आपने जिनका सर फोड़ा और जिनको यूनिवर्सिटी के अंदर आके स्टूडेंट्स पे का सर फोड़ने का जो आपने फैसिलिटेशन की, दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड अंडर नो सर्कमस्टेंसेस विल यू बी एब्डिकेटेड और शुड यू बी एब्डिकेटेड फ्रॉम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो मैं नहीं कह रही, वो देश का कानून कहता है. और दिल्ली पुलिस को मेरी चेतावनी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से चेतावनी कि खबरदार अगर आपने आईपीसी के वो सेक्शन ना लगाए जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर है, ग्रीवियस बॉडीली हार्म है और कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन लगा के वाइस चांसलर का नाम लिखना आवश्यक है. डू एनीथिंग रिलेटेड टू जेएनयू? Well, I can't, there is no decision to say he will do this or that, but I assure you that he will peruse the committee report, and whatever the next course of action, he is going to be instrumental in it. And let's not forget that the last time when he went to JNU, what was the narrative that was created? And this vice chancellor was at that time also the vice chancellor of Jawaharlal Nehru University. We stand by the students, we stand by the protest against fee hike. Rahul Gandhi ji will support every legitimate demand, just like the Congress president has. Let there be no doubt on that account. Neeraj, dekhiye, pehli baat to प्रधानमंत्री जी ने असम का नाम करीब 6 बारी लिया पर वो असम पहुंच नहीं पाए. वो बंगाल से ही असम को भाषण दे रहे हैं, पहली बात. और उसका क्या कारण है आप सब जानते हैं. दूसरी बात, आज युवा दिवस है, हम सब ने स्वामी विवेकानंद का नाम लिया, सबको बधाई दी देश के युवाओं को. और युवा दिवस का ही दिन चुना प्रधानमंत्री ने इस देश के युवाओं को अज्ञान के बारे में प्रधानमंत्री आज के दिन ही बोले. और गुमराह उस विद्यार्थी को, उस युवा को आप नहीं कर सकते जो अपना संविधान जानता है और जिसको लोकसभा के किसी भी कानून को पढ़ना आता है. संविधान युवा की सोच में है. और मैं प्रधानमंत्री जी को कहूंगी कि आज आपको देश की युवा को अभिनंदन और नमन करना चाहिए था, और उसी युवाओं का आपने आज पश्चिम बंगाल से अपमान किया. आप सब अवगत हैं कि 6 तारीख शाम को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बिठाई. उसमें हमारे माननीय सांसद नासिर जी थे, हाइबी ईडन जो केरला से सांसद हैं, फॉर्मर एनएसयूआई प्रेसिडेंट अमृता धवन जी थी, और मैं भी उस कमेटी की एक मेंबर बनाई गई. हमने 8 तारीख को हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस में गए करीब 1 बजे. हमने कई छात्रों से बात की, फैकल्टी मेंबर्स से बात की, कर्मचारियों से बात की, और उनकी सुनवाई हमने वीडियो रिकॉर्डिंग करी है वर्बटम. उसके बाद हमने ये रिपोर्ट बनाई है. वाइस चांसलर को मैंने खुद फ़ोन किया, उनका फ़ोन बिजी था, उनको एसएमएस किया
कि आपका पक्ष भी हम सुनना चाहते हैं, पर उनका कोई जवाब नहीं आया। इसके अलावा एवीवीपी के कुछ एक्टिविस्ट, मैं आपको नाम दे दूंगी लिस्ट जिनसे हमने बात की, उनको भी हमने बुलाया कि आप हमसे बात करें, पर उन्होंने कहा कि ये सब जुडिस है, एफआईआर है, हम इस पे नहीं बोल सकते। अब सवाल ये उठता है कि जेएनयू में 5 तारीख की शाम को जो घटना हुई उसमें क्या हुआ, क्या हालात थे, किस तरह की घटना हुई, इसको लेकर हमने अपने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में कुछ फाइंडिंग्स दिए हैं और रेकमेंडेशंस हमने दिए हैं। ये तय है कि जो भी रेकमेंडेशन और फाइंडिंग्स हमने लिखित में सोनिया गांधी जी को कल शाम को दिया है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हर्ड ऑन द यूनिवर्सिटी, व्हाट वी सॉ ऑन द यूनिवर्सिटी, एंड हमने पूरी कोशिश की है कि सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर निर्भर ना करके ये फाइंडिंग्स हमने लिखी है। मैं आपको रिकमेंडेशंस पहले संक्षिप्त में बता देती हूँ और फैक्ट फाइंडिंग थोड़ा लंबा है, उसको मैं समराइज करके ताकि आप समझ लें उसको, मैं उसको समझा दूंगी। पहला है कि वाइस चांसलर जगदेश कुमार शुड बी डिसमिस्ड इमीडिएटली, ए इंडिपेंडेंट इंक्वायरी शुड बी सेट अप टू लुक एट ऑल द अपॉइंटमेंट्स। उनकी नियुक्ति 27 जनवरी 2016 को हुई, तब से लेकर अब तक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जितने भी नियुक्ति हुई है फैकल्टी में उसका इन्वेस्टिगेशन हो, उनके हर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीशंस की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो एलोकेशंस किए हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीशंस है उसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। 2 नंबर, ये महत्वपूर्ण है, हम कह रहे हैं कि वाइस चांसलर और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं जो 5 तारीख की घटना से जुड़े हुए हैं, वाइस चांसलर, फैकल्टी मेंबर्स एंड द सिक्योरिटी कंपनी, तीनों के ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि 5 तारीख को चाहे वो पेरियार हॉस्टल में हो, चाहे वो साबरमती के हॉस्टल में हो या हॉस्टल के बाहर जो भी घटनाएं घटी, देयर शुड बी अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, नॉट जस्ट अ सिविल इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज 5 तारीख को जो हुआ, 5 तारीख को जो हमला हुआ, चाहे वो कहीं भी हुआ हो, चाहे वो किसी ने भी किया हो, सवाल ये उठता है कि इसमें एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, वाइस चांसलर, सिक्योरिटी कंपनी एंड फैकल्टी विच इज कंप्लिसिट इन दिस इंसिडेंट मस्ट बी सब्जेक्टेड टू अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड नॉट अ सिविल इन्वेस्टिगेशन। दूसरी बात, कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है उनके उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी, मुझे मैं मानती हूं कि ही शुड बी मेड अकाउंटेबल फॉर व्हाट हैपेंड ऑन 5th, नॉट जस्ट एसएचओ, नॉट जस्ट दी एसीपी, नॉट जस्ट द कॉन्स्टेबल्स हु आर ऑन द कैंपस। जिस तरह की घटना हुई, मैं फाइंडिंग्स में आपको बताऊंगी, नो वन शॉर्ट ऑफ द कमिश्नर ऑफ पुलिस शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस। हमारा ये भी रिकमेंडेशन है कि जो फी हाइक विश्वविद्यालय में हुआ 28 अक्टूबर 2019 में, उसको पास किया गया इंटर हॉल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के माध्यम से और फिर 13 नवंबर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने उसको पास किया। दिस फी हाइक मस्ट बी रोल्ड बैक, इसका रोल बैक होना चाहिए। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि विश्वविद्यालय के अपने रूल्स में ये है कि इंटर हॉल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन होना मैंडेटरी है और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स यूनियन को उस कमेटी में हिस्सा नहीं लेने दिया गया क्योंकि वाइस चांसलर ने स्टूडेंट्स यूनियन को रिकग्नाइज ही नहीं किया, इसके बावजूद कि हाई कोर्ट ने 17 सितंबर को ऑर्डर के माध्यम से कहा था कि आप इलेक्शन को डिक्लेयर करें। दिस फी हाइक इज अनफेयर फॉर 2 reasons। इट, ध्यान से सुनिए, इस फी हाइक के बाद जवाहरलाल यूनिवर्सिटी हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री एंड
नॉट ओनली हैज इट बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी इन द कंट्री, इट दिस फी हाइक हैज बीन अराइव्ड एट विदाउट कंसल्टेशंस विद द स्टूडेंट्स. ये हमारी फाइंडिंग्स है. इसके अलावा मैं सर, ये हमारे रिकमेंडेशंस हैं. अब जो फैक्ट फाइंडिंग है उसको मैं संक्षिप्त में बताऊंगी, और मेरे कुछ सवाल हैं. आई हैव सर्टेन क्वेश्चंस आई वांट टू पोस्ट टू द वाइस चांसलर, जिन्होंने हमसे मिलने से मना कर दिया या हमसे कांटेक्ट नहीं किया. इन सवालों का जवाब वो दें. किसी भी टेलीविजन शो में अगर वो जाएंगे आज के बाद, इन सवालों का जवाब जरूर दें. पहली बात, 5 तारीख की शाम को रजिस्ट्रार ने एक प्रेस रिलीज इशू किया. वो प्रेस रिलीज ये है. 6 तारीख को इस प्रेस रिलीज में जो 2 पन्नों का है, रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर है, वो उस प्रेस रिलीज में कहीं भी साबरमती हॉस्टल का नाम नहीं लेते. मेरे मीडिया के दोस्तों से सवाल है कि 5 तारीख को जो घटना घटी, साबरमती हॉस्टल का नाम सबके जुबान पे थी, जहां पे स्टूडेंट्स यूनियन की अध्यक्षा का सर फोड़ा गया, जहां प्रोफेसर सुचारिता सेन का सर फोड़ा गया, जिस हॉस्टल में घुसकर जिसका वीडियो पूरा देश ने देखा है, वो साबरमती हॉस्टल था. पर वाइस चांसलर के इस प्रेस रिलीज में, रजिस्ट्रार के इस प्रेस रिलीज में साबरमती शब्द कहीं नहीं है, सिर्फ पेरियार हॉस्टल है. क्यों? उसका जवाब वाइस चांसलर दे. दूसरा सवाल मैं पूछना चाहती हूं, वो खुद इस प्रेस रिलीज में लिखते हैं कि 3 तारीख को जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम जहां है उसको स्टूडेंट्स ने, जो एजिटेट कर रहे, उन्होंने तोड़ दिया. करेक्ट, वी आर ऑल अवेयर ऑफ दिस. वो खुद इसमें कहते हैं कि 4 तारीख सुबह हमने फिर उस सिस्टम को चालू कर दिया, जिसकी वजह से हजारों स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन की. राइट और रॉन्ग, वी हैव ऑल हर्ड दिस. पर 5 तारीख को वो कहते हैं, 4 तारीख को 1 बजे स्टूडेंट्स ने फिर अपना सिस्टम डाउन कर दिया. मैं कुलपति से ये पूछना चाहती हूं कि 3 तारीख को अगर स्टूडेंट्स ने डिस्कनेक्ट किया, 4 तारीख सुबह आपने जारी किया, 4 तारीख 1 बजे फिर स्टूडेंट्स ने उसको अगर डिस्कनेक्ट कर दिया, तो 5 तारीख से पहले आपने उसको चालू क्यों नहीं किया? क्या आपको मालूम था कि 5 तारीख को गुंडे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर अपना लाठी पत्थर और हथौड़ा लेके आएंगे, जिसका सीसीटीवी कवरेज अगर रहेगा तो उसका प्रभाव एबीवीपी के एक्टिविस्ट पे पड़ेगा? सिंपल क्वेश्चन. इफ यू कैन रीइंस्टेट द इंटरनेट कनेक्शन एंड द सीआईएस सिस्टम ऑन द 4th मॉर्निंग, व्हाई डिड यू नॉट रीइंस्टेट दैट कनेक्शन ऑन 5th मॉर्निंग? Did you know that there was going to be a violent attack in JNU because of which you wanted to ensure that there is no CCTV coverage? तीसरा सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि वाइस चांसलर लगातार टेलीविजन पे कह रहे हैं कि मैं उन छात्रों के पास खड़ा हूँ, उन छात्रों के साथ हूँ जो इस विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, और जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं चाहते. आज मैं वाइस चांसलर से सीधा सीधा सवाल करती हूँ. 12 दिसंबर से 2019 एग्जाम्स वर ड्यू टू बी स्टार्टेड. आप लोगों ने इस देश के इतिहास में कभी सुना है कि एक विश्वविद्यालय के कुलपति एग्जामिनेशन व्हाट्सएप पे कराना चाह रहे हैं? ही एक्चुअली सेंट आउट अ सर्कुलर टू से that examinations of a prestigious university like Jawaharlal Nehru University should be held on WhatsApp and email. This is the letter of the Teachers Association to the President of India saying you are making a mockery of Jawaharlal Nehru University. जो कुलपति शिक्षा के पक्ष में काम कर रहा है, वो क्या यूनिवर्सिटी एग्जाम व्हाट्सएप पे कराना चाहते हैं? आप सवाल व्हाट्सएप पे भेजोगे, छात्र कहां पे उसका जवाब लिखेगा? क्या नकल कर रहा है? क्या वही छात्र उसका जवाब दे रहा है? इसका कोई सिस्टम नहीं है. जो
फॉरेन लैंग्वेजेस का एग्जाम होता है वो ओरली होता है, क्या आप ओरल एग्जाम भी व्हाट्सएप पे कराएंगे? डज ही हैव एनी आंसर? अ वाइस चांसलर हु सेज ही इज इन फेवर ऑफ एग्जाम, ये टीचर्स एसोसिएशन की चिट्ठी भी हम आपको प्रेस मीट के बाद देंगे। फी हाइक, फी हाइक को लेकर 70 दिन से ज्यादा जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उस फी हाइक को जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने 13-11 को पास किया, इसकी सभा कहां हुई थी आप लोगों को पता है? उन्होंने सुबह 10 बजे का मीटिंग बुलाया कैंपस के अंदर, जब लोग पहुंचे पता लगा कि वेन्यू बदल के आईटीओ पे चला गया है। आईटीओ पे 4 या 5 लोग पहुंचे जो वाइस चांसलर के समर्थक है और उन्होंने फी हाइक पास कर दिया। कैन यू इमेजिन ए वेन्यू ऑफ अ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी विच इज द हाइएस्ट बॉडी ऑफ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिफ्ट्स इट्स वेन्यू फ्रॉम द कैंपस टू आईटीओ और वेर एवर इन द मॉर्निंग ऑफ द मीटिंग एंड पासेस द फी हाइक। ये सच्चाई है और ये चीजें आज तक न्यूज पे नहीं आई है, सिर्फ वाइस चांसलर के ही इंटरव्यू आ रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ने 17-11 को हाई पावर्ड कमेटी का एक गठन किया कि जेएनयू कैंपस में पढ़ाई शुरू हो, आंदोलन खत्म हो। वाइस चांसलर रिफ्यूज टू गो बिफोर दिस कमेटी, ही वांटेड नो रेजोल्यूशन। उन्होंने जान के डेडलॉक को रखा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। इसका क्या कारण है? जब से उनकी नियुक्ति हुई है कम से कम 100 फैकल्टी मेंबर्स जो आरएसएस माइंडेड है, जो पहले एबीवीपी के कार्यकर्ता थे, उनकी नियुक्ति उन्होंने की है। टू गिव वन एग्जांपल, धनंजय सिंह जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो चीफ प्रॉक्टर हैं, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर थे वो, और असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनने के लिए एसोसिएट प्रोफेसर बनने की जरूरत है, जिसको सेंट्रल मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया, पर वाइस चांसलर ने एक एसोसिएट प्रोफेसर को इमीडिएटली प्रोफेसर के रूप में उसको प्रमोशन दे दिया। ही हैज कंसिस्टेंटली सैफ्रनाइज्ड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एट द डिक्टेट ऑफ द आरएसएस। एक आखिरी पर महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहती हूं, स्टूडेंट्स यूनियन की एक चिट्ठी है जो 2 जनवरी को उन्होंने वाइस चांसलर को लिखा। दिस इज दैट लेटर। इस 2 जनवरी के चिट्ठी में स्टूडेंट्स यूनियन वाइस चांसलर को कह रहे हैं, आपने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी 1 तारीख को, रजिस्ट्रेशन में ये मैंडेटरी है कि आपको सारा फी जमा देना है। इट इज एक्चुअली अप्लाइंग द फी हाइक टू द बैकडोर। फिर भी छात्र यूनियन ने स्पष्ट रूप से लिखित में कह दिया कि आप रजिस्ट्रेशन करिए, आप नया सेमेस्टर चालू कीजिए, सिर्फ फी हाइक को आप लागू मत करिए। जो छात्र विश्वविद्यालय में शिक्षा नहीं चाहता, वाइस चांसलर कह रहे उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए वो राजी थे नए सेमेस्टर में, पर वाइस चांसलर के उनके चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। Now I come to the police action. आप लोगों ने टेलीविजन में देखा कि पुलिस खड़ी रही, लोग डंडे चलाते रहे, पथराव होता रहा, दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया। वाइस चांसलर का प्रेस रिलीज कहता है कि 4:30 बजे उन्होंने पुलिस को फोन किया, 4:30 बजे एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस को फोन किया, उनका अपना प्रेस रिलीज है 5 जनवरी का। पुलिस कहती है 7:45 तक हमें कोई परमिशन नहीं मिली कैंपस के अंदर जाने के लिए। अब कौन झूठ बोल रहा है, या वाइस चांसलर झूठ बोल रहे हैं या दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है, वो बीच एक दूसरे से तय कर ले कि झूठ कौन बोल रहा है। 3 FIR लॉज हुए, 003, 004, 006। आप उन FIRs को पढ़िए। जो 003, 004 है, दे आर फाइल्ड बाय द सिक्योरिटी कंपनी। जो सिक्योरिटी कंपनी एक बार नहीं, बार बार इन FIRs पे कह रही है कि CIS सिस्टम को तोड़ दिया। आई वॉन्ट टू पॉइंट आउट जस्ट वन थिंग, FIR में खुद सिक्योरिटी कंपनी कह रही है कि लोग नकाब डाल के, स्टूडेंट्स नकाब डाल के आए, उन्होंने CIS सिस्टम तोड़ दिया, पर 8 स्टूडेंट्स का वो नाम लेते हैं FIR में। मैं दिल्ली पुलिस से सवाल करती हूं कि आपने तीनों FIR में
आपने डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन लगाया, आज अगर एक प्रोफेसर का सर फट जाता है जिसमें 16 टाके लगे हैं, सर पे वार हुआ है, आपने अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन क्यों नहीं लगाया? Why is there no attempt to murder when the injury is above the waist on the head of the Students Union President of Sucharita Sen? She has 16 stitches. आप किसको बचा रहे हैं? आप किसको बचा रहे हैं? क्यों attempt to murder इसमें नहीं है? एक सीधा सीधा सवाल मैं दिल्ली पुलिस से करना चाहती हूँ. मैं पूछना चाहती हूँ दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कि आप आज ही प्रेस मीट करके बताइए सेक्शन 161 के अंडर आपने किन किन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया. आई चैलेंज द कमिश्नर ऑफ पुलिस दैट टेल अस ऑल द पीपल जिनको चोट पहुंची है, जिनका सर फटा है, जिनका हार्ट टूटा है, किस किस का 161 में आपने स्टेटमेंट लिया है? क्या आपने स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट का 161 में स्टेटमेंट लिया है? क्या आपने सुचरिता सेन प्रोफेसर का 161 में स्टेटमेंट लिया है? नहीं लिया. उन्होंने खुद, जब उनसे कोई पूछताछ नहीं की कि उनका स्टेटमेंट नहीं लिया गया, उन्होंने खुद लिखित में पुलिस स्टेशन में उन्होंने अपना स्टेटमेंट भेजा. व्हाट काइंड ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इज दिस? व्हाट काइंड ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इज दिस? मे आई पॉइंट आउट कि जो एफआईआर सिक्योरिटी कंपनी ने दर्ज किया, कब किया? 5 तारीख को किया. किस वक्त किया? 20:39 and 20:43 ऑन 5th, मीन्स 8:39 and 8:43. ये क्या वक्त था? 5 तारीख को आप सब मीडिया कवरेज कर रहे थे. ये वही वक्त था सिक्योरिटी कंपनी कैंपस को सुरक्षित ना करके उस वक्त एफआईआर लॉन्च कर रही थी. वो एफआईआर में लिखा है वक्त जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बच्चे ट्रॉमा सेंटर में अपना चिकित्सा करा रहे थे. प्लीज नोट दिस, दिस एफआईआर वर फाइल्ड ऑन 5th when the students were in the trauma center to create record against them. I want to ask my friends in the media ki ye security company, ki ye security company campus ke suraksha ke liye thi ki campus mein jo violence hua 5 tarikh ko ya 5 tarikh se pehle, security company ne lagatar sirf ek kaam kiya, unhone एजिटेशन को तोड़ने की कोशिश की. ऐसे भी बयान आए हैं कि सिक्योरिटी कंपनी 1 जनवरी को खुद नकाब लगा के सीआईएस सेंटर में गई. सिक्योरिटी कंपनी नकाब लगा के क्या कभी किसी कैंपस को सुरक्षित कर सकती है? दीज आर वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस. आई हैव नो डाउट. आई एम नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दैट हैज पुलिस पावर्स. आई एम नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दैट हैज द पावर्स ऑफ एनी जुडिशियल कमीशन. पर ये बात तय है 5 तारीख शाम को 4:30 बजे के बाद या 6 बजे से जो घटना साबरमती हॉस्टल में घटी है, दैट इज प्री प्लान्ड, दैट इज प्री मेडिटेटेड. इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, इसमें वाइस चांसलर जुड़े हैं, इसमें वो फैकल्टी मेंबर्स जुड़े हैं जिन्होंने लाठी अपने घर से स्टूडेंट्स के हाथ में दिया. व्हाट वाज हिज नेम? तपन बिहारी, जो पेरियार हॉस्टल के वार्डन है, उनके घर से ये मॉब निकली है. और ये बात तय है कि जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जहां साबरमती हॉस्टल के अंदर और बाहर हमला हुआ, बिजली किसने काटी? If electricity can be disconnected, I have to say that this attack was state sponsored. This attack was state sponsored. There is absolutely no doubt about it. और जिस तरह से attack हुआ, वो ABVP थे, SFI था, कौन था? ये सवाल इतना अहम नहीं है जितना ये सवाल है कि ये हुआ क्यों और इसको रोकने के लिए विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, दिल्ली पुलिस ने क्या किया. एक प्रेस मीट दिल्ली पुलिस ने की, वीडियो उन्होंने निकाला, उसको चला के देखिए. उसमें जिन 7 लोगों का वो तस्वीर दिखा रहे हैं या वीडियो दिखा रहे हैं, दिल्ली पुलिस के कर्मचारी अफसर
एसएफआई का नाम ले रहे हैं, पर फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस का नाम लेने से दिल्ली पुलिस डर रही है उसी प्रेस मीट में। मैं दिल्ली पुलिस से पूछना चाहती हूं कि आपका कर्तव्य क्या है? आप आरएसएस का नाम लेने से क्यों डर रहे हैं? एबीवीपी संगठन का नाम लेने से क्यों डर रहे हैं? आप यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट बोल गए, आप एसएफआई बोल गए, क्या आप में इतनी ताकत नहीं है कि एबीवीपी का नाम तक अपनी जुबान पे लाए आप एक प्रेस मीट में? मैं दिल्ली पुलिस से पूछना चाहती हूं कि आपको इस वर्दी को जनता की सुरक्षा के लिए दिया है, आरएसएस की सुरक्षा के लिए नहीं दी है? दिल्ली पुलिस इज टर्निंग इनटू अ फोर्स दैट इज वर्किंग एट द डिक्टेट्स ऑफ आरएसएस एंड द होम मिनिस्टर हु कंसिस्टेंटली टॉक्स अबाउट टुकड़े टुकड़े गैंग। दिल्ली पुलिस इज पार्ट ऑफ दैट नैरेटिव एंड इट्स अ शेम। आई वांट टू टेल द व्यूअर्स ऑफ योर चैनल दैट दिल्ली पुलिस कुड नॉट प्रोटेक्ट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड दे विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट आवर स्टूडेंट्स और आवर पीपल एनीवेयर इन द कंट्री। आई वुड लाइक टू स्टेट एट द एंड दैट द ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री हैज टोटली फेल्ड टू इंटरवीन इन दिस। ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री was compelled to transfer Mr. Subramaniam, who's the secretary, who was talking to and trying to lead that high-powered committee. Vice Chancellor ki aisi kya taakat hai ki wo HRD ministry ke committee ke samne tak nahi jate, aur jo framework tayar karne ki koshish kar rahi thi HRD ministry, aap ministry ko to chhodiye, Vice Chancellor ki itni taakat hai ki wo ek secretary human resource ministry ki Subramaniam ji ka wo हटा देते हैं उस पोस्ट से। दिस इज द पावर ऑफ द वाइस चांसलर। लेट मी से इट कैटेगोरिकली, द वाइस चांसलर इज अ कैंसर ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड इट्स स्प्रेडिंग फास्ट। एंड आई थैंक द पीपल ऑफ दिल्ली। शर्मिष्ठा जी बोलेंगी, मैं दिल्ली की जनता को के प्रति आभार व्यक्त करती हूं कि 5 तारीख के हादसे के बाद अगर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी अब तक जिंदा है, उसमें बच्चे सांस ले रहे हैं, इसका एक ही कारण है कि दिल्ली के लोग सड़कों पर उतरे, वरना वाइस चांसलर ने तो इस विश्वविद्यालय को बंद करने का पूरा प्लानिंग कर लिया था। दिस वाइस चांसलर शुड नॉट बी इन ऑन कैंपस, दिस वाइस चांसलर शुड बी इन जेल। दैट्स व्हाट द फैक्ट फाइंडिंग कमिटी फील्स एंड वी स्टैंड बाय इट। वी स्टैंड बाय इट, दिस वाइस चांसलर विथ द फैकल्टी मेंबर्स हु आर एसोसिएटेड With the RSS should be behind bars, और दिल्ली पुलिस का यह कर्तव्य है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं ये कहूंगी, कल श्रीमती सोनिया गांधी जी को जब हमने रिपोर्ट दी, उन्होंने वेणुगोपाल जी को ये रिक्वेस्ट किया है कि कांग्रेस के जो वकील हैं, लीगल सेल है और जो बाकी लीडर्स है, उनके साथ डिस्कस करके हाउ टू टेक दिस फॉरवर्ड, वी विल डिस्कस इट। और मैं ये आप सबको आज इस मंच से कहना चाहती हूं कि वी विल फाइट फॉर द स्टूडेंट्स ऑन कैंपस, ऑन एवरी कैंपस, चाहे वो कोई भी कैंपस हो, बिकॉज कैंपसेस आर टर्निंग इनटू वॉर जोन्स बिकॉज ऑफ द एजेंडा ऑफ दिस गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ द एजेंडा ऑफ द आरएसएस, and we will fight against it till this ends। अगर आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। प्रणव जी से मैं निवेदन करूंगी कि जो findings और recommendation है वो आप circulate कर दे कागज के साथ। और मैं आप सबसे एक विनम्र निवेदन करती हूं कि रजिस्ट्रार का प्रेस रिलीज को सिर्फ पढ़िएगा नहीं, उसको पढ़ के देखिएगा। It reeks of bias where he doesn't even mention Sabarmati Hostel. That itself to my mind is an open and shut case of the Vice Chancellor's bias. Thank you very much for listening to me patiently, and I am also going to give you the resolution passed by the Students Union General Body meeting dated, क्या डेट था
डेटेड 4 दिसंबर एंड द जनरल बॉडी ऑफ अ यूनियन इज द हाईएस्ट बॉडी वेर यूनानिमसली अ डिसीजन वॉज टेकन टू प्रोटेस्ट. ये किसी एक व्यक्ति, ये किसी एक दल या किसी ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन नहीं था, ये जनरल बॉडी का डिसीजन था जो स्टूडेंट्स यूनियन और स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे. और इसमें इसमें आपको जवाब मिलेगा कि एबीवीपी इस प्रोटेस्ट से क्यों हट गई. एबीवीपी इस प्रोटेस्ट से इसलिए हट गई क्योंकि इस जनरल बॉडी रेजोल्यूशन में उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट को कंडेम किया है, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री को कंडेम किया है, और यही एक कारण है कि एबीवीपी इस आंदोलन के खिलाफ है क्योंकि वो सरकार के साथ खड़ी है, यूनिवर्सिटी के साथ नहीं खड़ी है. बहुत बहुत धन्यवाद. Look, this vice chancellor is a mastermind. He's masterminded the whole thing. If vice chancellor really wants the university to resume classes and carry on normally, I request the vice chancellor to roll back the fee and discuss it with the students. Let me give you a very tangible reason for it. The Jawaharlal Nehru University's annual report says 40% of the students who study in Jawaharlal Nehru University come from families whose monthly income is below 12,000 rupees. This is Jawaharlal Nehru University's own annual report. If the fee hike is designed in a way to shift the burden of the larger part of the fee on the students, that he ends up paying about 7,000 rupees per month, do you expect that these students from poor families, as per JNU's own assertion, will come back to JNU? The vice chancellor has to understand ki sir to aapne phod diye, tange bhi tod di, haathon ko bhi tod diya, laathiyan bhi chal gayi, sab kuch ho gaya, एटलीस्ट शिक्षा का अधिकार तो उनसे मत छीनिए. कैन द वाइस चांसलर एक्सप्लेन व्हाई ही चेंज द फी स्ट्रक्चर इन अ मैनर दैट नाउ द एंटायर बेसिस ऑफ द फी स्ट्रक्चर सेल्फ फाइनेंसिंग बाय द स्टूडेंट्स एंड नॉट द यूनिवर्सिटी. व्हाई? लेट हिम आंसर दैट. अगर उसका जवाब वो देंगे तो मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली कम फॉरवर्ड. मैंने 2 जनवरी की चिट्ठी के माध्यम से आपको दिखा दिया है, स्टूडेंट्स यूनियन ने कभी भी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ या पढ़ाई लिखाई बंद करने के पक्ष में उन्होंने आवाज नहीं उठाई. पर फी हाइक के माध्यम से जो आप इस यूनिवर्सिटी को सिर्फ रिच क्लास को और एफ्लुएंट क्लास के लिए इस यूनिवर्सिटी को परिवर्तन करना चाहते हैं, दैट इज अगेंस्ट द वेरी बेसिस ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी. एंड आई वॉन्ट टू टेल द वाइस चांसलर, अगर आपने फी रोल बैक भी किया और बच्चे अगर विश्वविद्यालय में पढ़ने भी गए, आपने जिनका सर फोड़ा और जिनको यूनिवर्सिटी के अंदर आके स्टूडेंट्स पे का सर फोड़ने का जो आपने फेसिलिटेशन की, दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड अंडर नो सर्कमस्टेंसेज विल यू बी एब्डिकेटेड और शुड यू बी एब्डिकेटेड फ्रॉम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो मैं नहीं कह रही, वो देश का कानून कहता है. और दिल्ली पुलिस को मेरी चेतावनी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से चेतावनी कि खबरदार, अगर आपने आईपीसी के वो सेक्शन ना लगाए जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर है, ग्रीवियस बॉडीली हार्म है, और कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन लगा के वाइस चांसलर का नाम लिखना आवश्यक है. Do anything related to JNU? Well, I can't. There is no decision to say he will do this or that, but I assure you that he will peruse the committee report, and whatever the next course of action, he is going to be instrumental in it. And let's not forget that the last time when he went to JNU,
What was the narrative that was created? And this vice chancellor was at that time also the vice chancellor of Jawaharlal Nehru University. We stand by the students. We stand by the protest against fee hike. Rahul Gandhi ji will support every legitimate demand, just like the Congress president has. Let there be no doubt on that account. Neeraj. देखिए, पहली बात तो प्रधानमंत्री जी ने असम का नाम करीब 6 बारी लिया, पर वो असम पहुंच नहीं पाए. वो बंगाल से ही असम को भाषण दे रहे हैं, पहली बात. और उसका क्या कारण है आप सब जानते हैं. दूसरी बात, आज युवा दिवस है, हम सब ने स्वामी विवेकानंद का नाम लिया, सबको बधाई दी देश के युवाओं को. और युवा दिवस का ही दिन चुना प्रधानमंत्री ने इस देश के युवाओं को अज्ञान उनके अज्ञान के बारे में प्रधानमंत्री आज के दिन ही बोले. और गुमराह उस विद्यार्थी को, उस युवा को आप नहीं कर सकते जो अपना संविधान जानता है और जिसको लोकसभा के किसी भी कानून को पढ़ना आता है. संविधान युवा की सोच में है. और मैं प्रधानमंत्री जी को कहूंगी कि आज आपको देश की युवा को अभिनंदन और नमन करना चाहिए था, और उसी युवाओं का आपने आज पश्चिम बंगाल से अपमान किया. आप सब अवगत हैं कि 6 तारीख शाम को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बिठाई. उसमें हमारे माननीय सांसद नासिर जी थे, हाइबी ईडन जो केरला से सांसद हैं, फॉर्मर एनएसयूआई प्रेसिडेंट अमृता धवन जी थी, और मैं भी उस कमेटी की एक मेंबर बनाई गई. हमने 8 तारीख को हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस में गए करीब 1 बजे. हमने कई छात्रों से बात की, फैकल्टी मेंबर्स से बात की, कर्मचारियों से बात की, और उनकी सुनवाई हमने, उसकी हमने वीडियो रिकॉर्डिंग करी है वर्बटम. उसके बाद हमने ये रिपोर्ट बनाई है. वाइस चांसलर को मैंने खुद फ़ोन किया, उनका फ़ोन बिजी था, उनको एसएमएस किया कि आपका पक्ष भी हम सुनना चाहते हैं, पर उनका कोई जवाब नहीं आया. इसके अलावा एवीवीपी के कुछ एक्टिविस्ट, मैं आपको नाम दे दूंगी लिस्ट जिनसे हमने बात की, उनको भी हमने बुलाया कि आप हमसे बात करें, पर उन्होंने कहा कि ये सब जुडिस है, एफआईआर है, हम इस पे नहीं बोल सकते. अब सवाल ये उठता है कि जेएनयू में 5 तारीख की शाम को जो घटना हुई उसमें क्या हुआ, क्या हालात थे, किस तरह की घटना हुई, इसको लेकर हमने अपने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में कुछ फाइंडिंग्स दिए हैं और रिकमेंडेशंस हमने दिए हैं. ये तय है कि जो भी रिकमेंडेशन और फाइंडिंग्स हमने लिखित में सोनिया गांधी जी को कल शाम को दिया है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हर्ड ऑन द यूनिवर्सिटी, व्हाट वी सॉ ऑन द यूनिवर्सिटी. एंड हमने पूरी कोशिश की है कि सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर निर्भर ना करके ये फाइंडिंग्स हमने लिखी है. मैं आपको रिकमेंडेशंस पहले संक्षिप्त में बता देती हूँ, और फैक्ट फाइंडिंग थोड़ा लंबा है, उसको मैं समराइज करके ताकि आप समझ लें उसको, मैं उसको समझा दूंगी. पहला है कि वाइस चांसलर जगदेश कुमार शुड बी डिसमिस्ड इमीडिएटली. ए इंडिपेंडेंट इंक्वायरी शुड बी सेट अप टू लुक एट ऑल द अपॉइंटमेंट्स. उनकी नियुक्ति 27 जनवरी 2016 को हुई, तब से लेकर अब तक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जितने भी नियुक्ति हुई है फैकल्टी में, उसका इन्वेस्टिगेशन हो, उनके हर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीशंस की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो एलोकेशंस किए हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीशंस है उसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए. 2 नंबर, ये महत्वपूर्ण है, हम कह रहे हैं कि वाइस चांसलर और जो फैकल्टी मेंबर्स है जो 5 तारीख की घटना से जुड़े हुए हैं, वाइस चांसलर, फैकल्टी मेंबर्स,
एंड द सिक्योरिटी कंपनी, तीनों के ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि 5 तारीख को चाहे वो पेरियार हॉस्टल में हो, चाहे वो साबरमती के हॉस्टल में हो या हॉस्टल के बाहर जो भी घटनाएं घटी, देयर शुड बी अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, नॉट जस्ट अ सिविल इन्वेस्टिगेशन। बिकॉज 5 तारीख को जो हुआ, 5 तारीख को जो हमला हुआ, चाहे वो कहीं भी हुआ हो, चाहे वो किसी ने भी किया हो, सवाल ये उठता है कि इसमें एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। वाइस चांसलर, सिक्योरिटी कंपनी एंड फैकल्टी विच इज कंप्लिसिट इन दिस इंसिडेंट मस्ट बी सब्जेक्टेड टू अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड नॉट अ सिविल इन्वेस्टिगेशन। दूसरी बात, कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है उनके उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी, मुझे मैं मानती हूं कि ही शुड बी मेड अकाउंटेबल फॉर व्हाट हैपेंड ऑन 5th, नॉट जस्ट SHO, नॉट जस्ट दी ACP, नॉट जस्ट द कॉन्स्टेबल्स हु आर ऑन द कैंपस। जिस तरह की घटना हुई, मैं फाइंडिंग्स में आपको बताऊंगी, नो वन शॉर्ट ऑफ द कमिश्नर ऑफ पुलिस शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस। हमारा ये भी रिकमेंडेशन है कि जो फी हाइक विश्वविद्यालय में हुआ 28 अक्टूबर 2019 में, उसको पास किया गया इंटर हॉल एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी के माध्यम से और फिर 13 नवंबर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने उसको पास किया। दिस फी हाइक मस्ट बी रोल्ड बैक, इसका रोल बैक होना चाहिए। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि विश्वविद्यालय के अपने रूल्स में यह है कि इंटर हॉल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन होना मैंडेटरी है और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स यूनियन को उस कमेटी में हिस्सा नहीं लेने दिया गया क्योंकि वाइस चांसलर ने स्टूडेंट्स यूनियन को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, इसके बावजूद कि हाई कोर्ट ने 17 सितंबर को ऑर्डर के माध्यम से कहा था कि आप इलेक्शन को डिक्लेयर करें। दिस फी हाइक इज अनफेयर फॉर टू रीजंस। इट, ध्यान से सुनिए, इस फी हाइक के बाद जवाहरलाल यूनिवर्सिटी हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री एंड नॉट ओनली हैज इट बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी इन द कंट्री, इट दिस फी हाइक हैज बीन अराइव्ड एट विदाउट कंसल्टेशंस विद द स्टूडेंट्स। ये हमारी फाइंडिंग्स है। इसके अलावा मैं सर, ये हमारे रिकमेंडेशंस है। अब जो फैक्ट फाइंडिंग है उसको मैं संक्षिप्त में बताऊंगी और मेरे कुछ सवाल हैं। आई हैव सर्टेन क्वेश्चंस आई वांट टू पोस्ट टू द वाइस चांसलर, जिन्होंने हमसे मिलने से मना कर दिया या हमसे कांटेक्ट नहीं किया। इन सवालों का जवाब वो दें, किसी भी टेलीविजन शो में अगर वो जाएंगे आज के बाद, इन सवालों का जवाब जरूर दें। पहली बात, 5 तारीख की शाम को रजिस्ट्रार ने एक प्रेस रिलीज इशू किया, वो प्रेस रिलीज ये है। 6 तारीख को इस प्रेस रिलीज में जो 2 पन्नों का है, रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर है, वो उस प्रेस रिलीज में कहीं भी साबरमती हॉस्टल का नाम नहीं लेते। मेरे मीडिया के दोस्तों से सवाल है कि 5 तारीख को जो घटना घटी, साबरमती हॉस्टल का नाम सबके जुबान पे थी, जहां पे स्टूडेंट्स यूनियन की अध्यक्षा का सर फोड़ा गया, जहां प्रोफेसर सुचारिता सेन का सर फोड़ा गया, जिस हॉस्टल में घुसकर जिसका वीडियो पूरा देश ने देखा है, वो साबरमती हॉस्टल था। पर वाइस चांसलर के इस प्रेस रिलीज में, रजिस्ट्रार के इस प्रेस रिलीज में साबरमती शब्द कहीं नहीं है, सिर्फ पेरियार हॉस्टल है। क्यों? उसका जवाब वाइस चांसलर दे। दूसरा सवाल मैं पूछना चाहती हूं, वो खुद इस प्रेस रिलीज में लिखते हैं कि 3 तारीख को जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम जहां है उसको स्टूडेंट्स ने, जो एजिटेट कर रहे हैं, उन्होंने तोड़ दिया। करेक्ट, वी आर ऑल अवेयर ऑफ दिस। वो खुद इसमें कहते हैं कि 4 तारीख सुबह हमने फिर उस सिस्टम को चालू कर दिया, जिसकी वजह से हजारों स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन की।
राइट और रॉन्ग, वी हैव ऑल हर्ड दिस। पर 5 तारीख को, वो कहते हैं 4 तारीख को 1 बजे स्टूडेंट्स ने फिर अपना सिस्टम डाउन कर दिया। मैं कुलपति से ये पूछना चाहती हूँ कि 3 तारीख को अगर स्टूडेंट्स ने डिस्कनेक्ट किया, 4 तारीख सुबह आपने जारी किया, 4 तारीख 1 बजे फिर स्टूडेंट्स ने उसको अगर डिस्कनेक्ट कर दिया, तो 5 तारीख से पहले आपने उसको चालू क्यों नहीं किया? क्या आपको मालूम था कि 5 तारीख को गुंडे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर अपना लाठी पत्थर और हथौड़ा लेके आएंगे, जिसका सीसीटीवी कवरेज अगर रहेगा तो उसका प्रभाव एबीवीपी के एक्टिविस्ट पे पड़ेगा? सिंपल क्वेश्चन। इफ यू कैन रीइंस्टेट द इंटरनेट कनेक्शन एंड द सीआईएस सिस्टम ऑन द 4th मॉर्निंग, व्हाई डिड यू नॉट रीइंस्टेट दैट कनेक्शन ऑन 5th मॉर्निंग? Did you know that there was going to be a violent attack in JNU because of which you wanted to ensure that there is no CCTV coverage? तीसरा सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि वाइस चांसलर लगातार टेलीविजन पे कह रहे हैं कि मैं उन छात्रों के पास खड़ा हूँ, उन छात्रों के साथ हूँ जो इस विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, और जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं चाहते। आज मैं वाइस चांसलर से सीधा सीधा सवाल करती हूँ, 12 दिसंबर से 2019 एग्जाम्स वर ड्यू टू बी स्टार्टेड। आप लोगों ने इस देश के इतिहास में कभी सुना है कि एक विश्वविद्यालय के कुलपति एग्जामिनेशन व्हाट्सएप पे कराना चाह रहे हैं? ही एक्चुअली सेंट आउट अ सर्कुलर टू से that examinations of a prestigious university like Jawaharlal Nehru University should be held on WhatsApp and email. This is the letter of the Teachers Association to the President of India saying you are making a mockery of Jawaharlal Nehru University. जो कुलपति शिक्षा के पक्ष में काम कर रहा है वो क्या यूनिवर्सिटी एग्जाम व्हाट्सएप पे कराना चाहते हैं? आप सवाल व्हाट्सएप पे भेजोगे, छात्र कहां पे उसका जवाब लिखेगा? क्या नकल कर रहा है? क्या वही छात्र उसका जवाब दे रहा है? इसका कोई सिस्टम नहीं है। जो फॉरेन लैंग्वेजेस का एग्जाम होता है वो ओरली होता है, क्या आप ओरल एग्जाम भी व्हाट्सएप पे कराएंगे? डज ही हैव एनी आंसर? अ वाइस चांसलर हु सेज ही इज इन फेवर ऑफ एग्जाम। ये टीचर्स एसोसिएशन की चिट्ठी भी हम आपको प्रेस मीट के बाद देंगे। फी हाइक को लेकर 70 दिन से ज्यादा जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उस फी हाइक को जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने 13/11 को पास किया, इसकी सभा कहां हुई थी आप लोगों को पता है? उन्होंने सुबह 10 बजे का मीटिंग बुलाया कैंपस के अंदर, जब लोग पहुंचे पता लगा कि वेन्यू बदल के आईटीओ पे चला गया है। आईटीओ पे 4 या 5 लोग पहुंचे जो वाइस चांसलर के समर्थक है, और उन्होंने फी हाइक पास कर दिया। कैन यू इमेजिन ए वेन्यू ऑफ अ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी विच इज द हाईएस्ट बॉडी ऑफ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिफ्ट्स हिज वेन्यू फ्रॉम द कैंपस टू आईटीओ और वेर एवर इन द मॉर्निंग ऑफ द मीटिंग एंड पासेस द फी हाइक। ये सच्चाई है, और ये चीजें आज तक न्यूज पे नहीं आई है, सिर्फ वाइस चांसलर के ही इंटरव्यू आ रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ने 17/11 को हाई पावर्ड कमेटी का एक गठन किया कि जेएनयू कैंपस में पढ़ाई शुरू हो, आंदोलन खत्म हो। वाइस चांसलर रिफ्यूज टू गो बिफोर दिस कमेटी, ही वांटेड नो रेजोल्यूशन। उन्होंने जान के डेडलॉक को रखा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। इसका क्या कारण है? जब से उनकी नियुक्ति हुई है, कम से कम 100 फैकल्टी मेंबर्स जो आरएसएस माइंडेड है, जो पहले एबीवीपी के कार्यकर्ता थे, उनकी नियुक्ति उन्होंने की है। टू गिव वन एग्जांपल, धनंजय सिंह जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सॉरी जो चीफ प्रॉक्टर हैं, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर थे वो, और असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनने के लिए एसोसिएट प्रोफेसर बनने की जरूरत है, जिसको सेंट्रल मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया, पर वाइस चांसलर ने एक एसोसिएट प्रोफेसर को इमीडिएटली प्रोफेसर के रूप में उसको प्रमोशन दे दिया। ही हैज कंसिस्टेंटली सैफ्रनाइज्ड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एट द डिक्टेट ऑफ द आरएसएस।
एक आखिरी पर महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहती हूँ, स्टूडेंट्स यूनियन की एक चिट्ठी है जो 2 जनवरी को उन्होंने वाइस चांसलर को लिखा, दिस इज दैट लेटर। इस 2 जनवरी की चिट्ठी में स्टूडेंट्स यूनियन वाइस चांसलर को कह रहे हैं, आपने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी 1 तारीख को, रजिस्ट्रेशन में ये मैंडेटरी है कि आपको सारा फी जमा देना है, इट इज एक्चुअली अप्लाइंग द फी हाइक टू द बैक डोर। फिर भी छात्र यूनियन ने स्पष्ट रूप से लिखित में कह दिया कि आप रजिस्ट्रेशन करिए, आप नया सेमेस्टर चालू कीजिए, सिर्फ फी हाइक को आप लागू मत करिए। जो छात्र विश्वविद्यालय में शिक्षा नहीं चाहता, वाइस चांसलर कह रहे उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए वो राजी थे नए सेमेस्टर में, पर वाइस चांसलर के उनके चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। नाउ आई कम टू द पुलिस एक्शन। आप लोगों ने टेलीविजन में देखा कि पुलिस खड़ी रही, लोग डंडे चलाते रहे, पथराव होता रहा, दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया। वाइस चांसलर का प्रेस रिलीज कहता है कि 4:30 बजे उन्होंने पुलिस को फोन किया, 4:30 बजे एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस को फोन किया, उनका अपना प्रेस रिलीज है 5 जनवरी का। पुलिस कहती है 7:45 तक हमें कोई परमिशन नहीं मिली कैंपस के अंदर जाने के लिए। अब कौन झूठ बोल रहा है, या वाइस चांसलर झूठ बोल रहे हैं या दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है, वो बीच एक दूसरे से तय कर ले कि झूठ कौन बोल रहा है। 3 FIR लॉज हुए, 003, 004, 006। आप उन FIRs को पढ़िए। जो 003, 004 है, दे आर फाइल्ड बाय द सिक्योरिटी कंपनी। जो सिक्योरिटी कंपनी एक बार नहीं, बार बार इन FIRs पे कह रही है कि CIS सिस्टम को तोड़ दिया। आई वॉन्ट टू पॉइंट आउट जस्ट वन थिंग, FIR में खुद सिक्योरिटी कंपनी कह रही है कि लोग नकाब डाल के, स्टूडेंट्स नकाब डाल के आए, उन्होंने CIS सिस्टम तोड़ दिया, पर 8 स्टूडेंट्स का वो नाम लेते हैं FIR में। मैं दिल्ली पुलिस से सवाल करती हूं कि आपने तीनों FIR में आपने डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन लगाया। आज अगर एक प्रोफेसर का सर फट जाता है जिसमें 16 टाके लगे हैं, सर पे वार हुआ है, आपने अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन क्यों नहीं लगाया? व्हाई इज देयर नो अटेम्प्ट टू मर्डर व्हेन द इंजरी इज अबव द वेस्ट ऑन द हेड ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट ऑफ सुचारिता सेन, शी हैज 16 स्टिचेस। आप किसको बचा रहे हैं? क्यों अटेम्प्ट टू मर्डर इसमें नहीं है? एक सीधा सीधा सवाल मैं दिल्ली पुलिस से करना चाहती हूं। मैं पूछना चाहती हूं दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कि आप आज ही प्रेस मीट करके बताइए सेक्शन 161 के अंडर आपने किन किन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। आई चैलेंज द कमिश्नर ऑफ पुलिस दैट टेल अस ऑल द पीपल जिनको चोट पहुंची है, जिनका सर फटा है, जिनका हार्ट टूटा है, किस किस का 161 में आपने स्टेटमेंट लिया है? क्या आपने स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट का 161 में स्टेटमेंट लिया है? क्या आपने सुचरिता सेन प्रोफेसर का 161 में स्टेटमेंट लिया है? नहीं लिया। उन्होंने खुद, जब उनसे कोई पूछताछ नहीं की कि उनका स्टेटमेंट नहीं लिया गया, उन्होंने खुद लिखित में पुलिस स्टेशन में उन्होंने अपना स्टेटमेंट भेजा। व्हाट काइंड ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इज दिस? मे आई पॉइंट आउट कि जो FIR सिक्योरिटी कंपनी ने दर्ज किया, कब किया? 5 तारीख को किया। किस वक्त किया? 20:39 एंड 20:43 ऑन 5th, मींस 8:39 एंड 8:43। ये क्या वक्त था? 5 तारीख को आप सब मीडिया कवरेज कर रहे थे। ये वही वक्त था सिक्योरिटी कंपनी कैंपस को सुरक्षित ना करके उस वक्त FIR लॉन्च कर रही थी। वो FIR में लिखा है वक्त जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बच्चे ट्रॉमा सेंटर में अपना चिकित्सा करा रहे थे। प्लीज नोट दिस, दिस FIRs वर फाइल्ड ऑन 5th when the students were in the trauma center to create record against them. I want to ask my friends in the media ki ye security company campus ki suraksha ke liye thi ki campus mein
जो वायलेंस हुआ 5 तारीख को या 5 तारीख से पहले, सिक्योरिटी कंपनी ने लगातार सिर्फ एक काम किया, उन्होंने एजिटेशन को तोड़ने की कोशिश की। ऐसे भी बयान आए हैं कि सिक्योरिटी कंपनी 1 जनवरी को खुद नकाब लगा के सीआईएस सेंटर में गई। सिक्योरिटी कंपनी नकाब लगा के क्या कभी किसी कैंपस को सुरक्षित कर सकती है? दीज आर वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस। आई हैव नो डाउट आई एम नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दैट हैज पुलिस पावर्स। आई एम नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दैट हैज द पावर्स ऑफ एनी जुडिशियल कमीशन। पर ये बात तय है, 5 तारीख शाम को 4:30 बजे के बाद या 6 बजे से जो घटना साबरमती हॉस्टल में घटी है, दैट इज प्री प्लान्ड, दैट इज प्री मेडिटेटेड। इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, इसमें वाइस चांसलर जुड़े हैं, इसमें वो फैकल्टी मेंबर्स जुड़े हैं जिन्होंने लाठी अपने घर से स्टूडेंट्स के हाथ में दिया। व्हाट वाज हिज नेम? तपन बिहारी, जो पेरियार हॉस्टल के वार्डन है, उनके घर से ये मॉब निकली है। और ये बात तय है कि जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जहां साबरमती हॉस्टल के अंदर और बाहर हमला हुआ, बिजली किसने काटी? इफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डिसकनेक्टेड, आई हैव टू से दैट दिस अटैक वॉज स्टेट स्पॉन्सर्ड। This attack was state sponsored. There is absolutely no doubt about it. और जिस तरह से अटैक हुआ, वो एबीवीपी थे, एसएफआई था, कौन था, ये सवाल इतना अहम नहीं है जितना ये सवाल है कि ये हुआ क्यों और इसको रोकने के लिए विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, दिल्ली पुलिस ने क्या किया। एक प्रेस मीट दिल्ली पुलिस ने की, वीडियो उन्होंने निकाला, उसको चला के देखिए। उसमें जिन 7 लोगों का वो लोगों की वो तस्वीर दिखा रहे हैं या वीडियो दिखा रहे हैं, दिल्ली पुलिस के कर्मचारी अफसर एसएफआई का नाम ले रहे हैं, पर फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस का नाम लेने से दिल्ली पुलिस डर रही है। उसी प्रेस मीट में मैं दिल्ली पुलिस से पूछना चाहती हूं कि आपका कर्तव्य क्या है? आप आरएसएस का नाम लेने से क्यों डर रहे हैं? एबीवीपी संगठन का नाम लेने से क्यों डर रहे हैं? आप यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट बोल गए, आप एसएफआई बोल गए, क्या आप में इतनी ताकत नहीं है कि एबीवीपी का नाम तक अपनी जुबान पे लाए आप एक प्रेस मीट में? मैं दिल्ली पुलिस से पूछना चाहती हूं कि आपको इस वर्दी को जनता की सुरक्षा के लिए दिया है, आरएसएस की सुरक्षा के लिए नहीं दी है? दिल्ली पुलिस इज टर्निंग इनटू अ फोर्स दैट इज वर्किंग एट द डिक्टेट्स ऑफ आरएसएस एंड द होम मिनिस्टर हु कंसिस्टेंटली टॉक्स अबाउट टुकड़े टुकड़े गैंग। दिल्ली पुलिस इज पार्ट ऑफ दैट नैरेटिव एंड इट्स अ शेम। आई वांट टू टेल द व्यूअर्स ऑफ योर चैनल दैट दिल्ली पुलिस कुड नॉट प्रोटेक्ट जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड दे विल नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट our students or our people anywhere in the country. I would like to state at the end that the human resource ministry has totally failed to intervene in this. Human resource ministry was compelled to transfer Mr. Subramaniam, who is the secretary, who was talking to and trying to lead that high powered committee. वाइस चांसलर की ऐसी क्या ताकत है कि वो एचआरडी मिनिस्ट्री के कमेटी के सामने तक नहीं जाते और जो फ्रेमवर्क तैयार करने की कोशिश कर रही थी एचआरडी मिनिस्ट्री, आप मिनिस्ट्री को तो छोड़िए, वाइस चांसलर की इतनी ताकत है कि वो एक सेक्रेटरी ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री की सुब्रमण्यम जी का वो हटा देते हैं उस पोस्ट से। दिस इज द पावर ऑफ द वाइस चांसलर। लेट मी से इट कैटेगोरिकली, द वाइस चांसलर इज अ कैंसर of Jawaharlal Nehru University and it's spreading fast. And I thank the people of Delhi, Sharmishta ji bolengi. Main Delhi ki janta ko ke prati aabhar vyakt karti hoon ki 5 tarikh ke hadse ke baad agar Jawaharlal Nehru University ab tak
जिंदा है, उसमें बच्चे सांस ले रहे हैं, इसका एक ही कारण है कि दिल्ली के लोग सड़कों पर उतरे, वरना वाइस चांसलर ने तो इस विश्वविद्यालय को बंद करने का पूरा प्लानिंग कर लिया था। दिस वाइस चांसलर शुड नॉट बी इन ऑन कैंपस, दिस वाइस चांसलर शुड बी इन जेल। दैट्स व्हाट द फैक्ट फाइंडिंग कमिटी फील्स एंड वी स्टैंड बाय इट, वी स्टैंड बाय इट। दिस वाइस चांसलर विथ द फैकल्टी मेंबर्स हु आर एसोसिएटेड विथ द आरएसएस शुड बी बिहाइंड बार्स। और दिल्ली पुलिस का यह कर्तव्य है कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं ये कहूंगी, कल श्रीमती सोनिया गांधी जी को जब हमने रिपोर्ट दी, उन्होंने वेणुगोपाल जी को ये रिक्वेस्ट किया है कि कांग्रेस के जो वकील हैं, लीगल सेल है और जो बाकी लीडर्स हैं, उनके साथ डिस्कस करके हाउ टू टेक दिस फॉरवर्ड, हाउ टू टेक दिस फॉरवर्ड, वी विल डिस्कस इट। और मैं ये आप सबको आज इस मंच से कहना चाहती हूं कि वी विल फाइट फॉर द स्टूडेंट्स ऑन कैंपस, ऑन एवरी कैंपस, चाहे वो कोई भी कैंपस हो, बिकॉज कैंपसेस आर टर्निंग इनटू वॉर जोन्स बिकॉज ऑफ द एजेंडा ऑफ दिस गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ द एजेंडा ऑफ द आरएसएस, एंड वी विल फाइट अगेंस्ट इट टिल दिस एंड्स। अगर आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। प्रणव जी से मैं निवेदन करूंगी कि जो फाइंडिंग्स और रेकमेंडेशन है वो आप सर्कुलेट कर दें कागज के साथ। और मैं आप सबसे एक विनम्र निवेदन करती हूं कि रजिस्ट्रार का प्रेस रिलीज को सिर्फ पढ़िएगा नहीं, उसको पढ़ के देखिएगा। इट रीक्स ऑफ बायस, ही डजंट इवन मेंशन साबरमती हॉस्टल। That itself to my mind is an open and shut case of the Vice Chancellor's bias. Thank you very much for listening to me patiently, and I am also going to give you the resolution passed by the Students Union General Body meeting dated, kya date tha? Dated 4th December, and the General Body of a Union is the highest body, where unanimously a decision was taken to protest. ये किसी एक व्यक्ति, ये किसी एक दल या किसी organisation का decision नहीं था, ये general body का decision था जो students union और students protest कर रहे थे। और इसमें आपको जवाब मिलेगा कि ABVP इस protest से क्यों हट गई। ABVP इस protest से इसलिए हट गई क्योंकि इस general body resolution में उन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट को कंडेम किया है, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री को कंडेम किया है, और यही एक कारण है कि एबीवीपी इस आंदोलन के खिलाफ है, क्योंकि वो सरकार के साथ खड़ी है, यूनिवर्सिटी के साथ नहीं खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। Look, this vice chancellor is a mastermind. He's masterminded the whole thing. If vice chancellor really wants the university to resume classes and carry on normally, I request the vice chancellor to roll back the fee and discuss it with the students. Let me give you a very tangible reason for it. The Jawaharlal Nehru University's annual report says 40% of the students who study in Jawaharlal Nehru University come from families whose monthly income is below 12,000 rupees. This is Jawaharlal Nehru University's own annual report. If the fee hike is designed in a way to shift the burden of the larger part of the fee on the students, that he ends up paying about 7,000 rupees per month, do expect that these students from poor families, as per JNU's own assertion, will come back to JNU. The vice chancellor has to understand ki sir to aapne phod diye, tange bhi tod di, haathon ko bhi tod diya, lathiyan bhi chal gayi, sab kuch ho gaya,
एटलीस्ट शिक्षा का अधिकार तो उनसे मत छीनिए. कैन द वाइस चांसलर एक्सप्लेन व्हाई ही चेंज द फी स्ट्रक्चर इन अ मैनर दैट नाउ द एंटायर बेसिस ऑफ द फी स्ट्रक्चर सेल्फ फाइनेंसिंग बाय द स्टूडेंट्स एंड नॉट द यूनिवर्सिटी. व्हाई? लेट हिम आंसर दैट. अगर उसका जवाब वो देंगे तो मेरा मानना है कि स्टूडेंट्स विल डेफिनेटली कम फॉरवर्ड. मैंने 2 जनवरी की चिट्ठी के माध्यम से आपको दिखा दिया है, स्टूडेंट्स यूनियन ने कभी भी रजिस्ट्रेशन के खिलाफ या पढ़ाई लिखाई बंद करने के पक्ष में उन्होंने आवाज नहीं उठाई. पर फी हाइक के माध्यम से जो आप इस यूनिवर्सिटी को सिर्फ रिच क्लास को और एफ्लुएंट क्लास के लिए इस यूनिवर्सिटी को परिवर्तन करना चाहते हैं, दैट इज अगेंस्ट द वेरी बेसिस ऑफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी. एंड आई वॉन्ट टू टेल द वाइस चांसलर, अगर आपने फी रोल बैक भी किया और बच्चे अगर विश्वविद्यालय में पढ़ने भी गए, आपने जिनका सर फोड़ा और जिनको यूनिवर्सिटी के अंदर आके स्टूडेंट्स पे का सर फोड़ने का जो आपने फैसिलिटेशन की, दैट इज अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड अंडर नो सर्कमस्टेंसेस विल यू बी एब्डिकेटेड और शुड यू बी एब्डिकेटेड फ्रॉम दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी. वो मैं नहीं कह रही, वो देश का कानून कहता है. और दिल्ली पुलिस को मेरी चेतावनी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से चेतावनी कि खबरदार, अगर आपने आईपीसी के वो सेक्शन ना लगाए जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर है, ग्रीवियस बॉडीली हार्म है और कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन लगा के वाइस चांसलर का नाम लिखना आवश्यक है. डू एनीथिंग रिलेटेड टू जेएनयू? Well, I can't, there is no decision to say he will do this or that, but I assure you that he will peruse the committee report, and whatever the next course of action, he is going to be instrumental in it. And let's not forget that the last time when he went to JNU, what was the narrative that was created? And this vice chancellor was at that time also the vice chancellor of Jawaharlal Nehru University. We stand by the students, we stand by the protest against fee hike. Rahul Gandhi ji will support every legitimate demand, just like the Congress president has. Let there be no doubt on that account. Neeraj, dekhiye, pehli baat to प्रधानमंत्री जी ने असम का नाम करीब 6 बारी लिया पर वो असम पहुंच नहीं पाए. वो बंगाल से ही असम को भाषण दे रहे हैं, पहली बात, और उसका क्या कारण है आप सब जानते हैं. दूसरी बात, आज युवा दिवस है, हम सब ने स्वामी विवेकानंद का नाम लिया, सबको बधाई दी देश के युवाओं को, और युवा दिवस का ही दिन चुना प्रधानमंत्री ने इस देश के युवाओं को अज्ञान के बारे में प्रधानमंत्री आज के दिन ही बोले. और गुमराह उस विद्यार्थी को, उस युवा को आप नहीं कर सकते जो अपना संविधान जानता है और जिसको लोकसभा के किसी भी कानून को पढ़ना आता है. संविधान युवा की सोच में है. और मैं प्रधानमंत्री जी को कहूंगी कि आज आपको देश की युवा को अभिनंदन और नमन करना चाहिए था, और उसी युवाओं का आपने आज पश्चिम बंगाल से अपमान किया. आप सब अवगत हैं कि 6 तारीख शाम को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बिठाई. उसमें हमारे माननीय सांसद नासिर जी थे, हाइबी ईडन जो केरला से सांसद हैं, फॉर्मर एनएसयूआई प्रेसिडेंट अमृता धवन जी थी, और मैं भी उस कमेटी की एक मेंबर बनाई गई. हमने 8 तारीख को हम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के कैंपस में गए करीब 1 बजे. हमने कई छात्रों से बात की, फैकल्टी मेंबर्स से बात की, कर्मचारियों से बात की, और
उनकी सुनवाई हमने, उसकी हमने वीडियो रिकॉर्डिंग करी है वर्बेटिम। उसके बाद हमने ये रिपोर्ट बनाई है। वाइस चांसलर को मैंने खुद फ़ोन किया, उनका फ़ोन बिजी था, उनको एसएमएस किया कि आपका पक्ष भी हम सुनना चाहते हैं, पर उनका कोई जवाब नहीं आया। इसके अलावा एवीवीपी के कुछ एक्टिविस्ट, मैं आपको नाम दे दूंगी लिस्ट जिनसे हमने बात की, उनको भी हमने बुलाया कि आप हमसे बात करें, पर उन्होंने कहा कि ये सब जुडिस है, एफआईआर है, हम इस पर नहीं बोल सकते। अब सवाल ये उठता है कि जेएनयू में 5 तारीख की शाम को जो घटना हुई उसमें क्या हुआ, क्या हालात थे, किस तरह की घटना हुई, इसको लेकर हमने अपने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में कुछ फाइंडिंग्स दिए हैं और रेकमेंडेशंस हमने दिए हैं। ये तय है कि जो भी रेकमेंडेशन और फाइंडिंग्स हमने लिखित में सोनिया गांधी जी को कल शाम को दिया है, इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हर्ड ऑन द यूनिवर्सिटी, व्हाट वी सॉ ऑन द यूनिवर्सिटी, एंड हमने पूरी कोशिश की है कि सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर निर्भर ना करके ये फाइंडिंग्स हमने लिखी है। मैं आपको रिकमेंडेशंस पहले संक्षिप्त में बता देती हूँ और फैक्ट फाइंडिंग थोड़ा लंबा है, उसको मैं समराइज करके ताकि आप समझ लें उसको, मैं उसको समझा दूंगी। पहला है कि वाइस चांसलर जगदेश कुमार शुड बी डिसमिस्ड इमीडिएटली, ए इंडिपेंडेंट इंक्वायरी शुड बी सेट अप टू लुक एट ऑल द अपॉइंटमेंट्स। उनकी नियुक्ति 27 जनवरी 2016 को हुई, तब से लेकर अब तक जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जितने भी नियुक्ति हुई है फैकल्टी में, उसका इन्वेस्टिगेशन हो, उनके हर एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीशंस की भी इंक्वायरी होनी चाहिए, जो एलोकेशंस किए हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीशंस है उसकी एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। 2 नंबर, ये महत्वपूर्ण है, हम कह रहे हैं कि वाइस चांसलर और जो फैकल्टी मेंबर्स हैं जो 5 तारीख की घटना से जुड़े हुए हैं, वाइस चांसलर, फैकल्टी मेंबर्स एंड द सिक्योरिटी कंपनी, तीनों के ऊपर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि 5 तारीख को चाहे वो पेरियार हॉस्टल में हो, चाहे वो साबरमती के हॉस्टल में हो या हॉस्टल के बाहर जो भी घटनाएं घटी, देयर शुड बी अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, नॉट जस्ट अ सिविल इन्वेस्टिगेशन। बिकॉज 5 तारीख को जो हुआ, 5 तारीख को जो हमला हुआ, चाहे वो कहीं भी हुआ हो, चाहे वो किसी ने भी किया हो, सवाल ये उठता है कि इसमें एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। वाइस चांसलर, सिक्योरिटी कंपनी एंड फैकल्टी विच इज कंप्लिसिट इन दिस इंसिडेंट मस्ट बी सब्जेक्टेड टू अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड नॉट अ सिविल इन्वेस्टिगेशन। दूसरी बात, कमिश्नर ऑफ पुलिस, जो कमिश्नर ऑफ पुलिस है उनके उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी, मुझे मैं मानती हूं कि ही शुड बी मेड अकाउंटेबल फॉर व्हाट हैपेंड ऑन 5th, नॉट जस्ट एसएचओ, नॉट जस्ट द एसीपी, नॉट जस्ट द कॉन्स्टेबल्स हु आर ऑन द कैंपस। जिस तरह की घटना हुई, मैं फाइंडिंग्स में आपको बताऊंगी, नो वन शॉर्ट ऑफ द कमिश्नर ऑफ पुलिस शुड बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर दिस। हमारा ये भी रिकमेंडेशन है कि जो फी हाइक विश्वविद्यालय में हुआ 28 अक्टूबर 2019 में, उसको पास किया गया इंटर हॉल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के माध्यम से और फिर 13 नवंबर को एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने उसको पास किया। दिस फी हाइक मस्ट बी रोल्ड बैक, इसका रोल बैक होना चाहिए। इसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि विश्वविद्यालय के अपने रूल्स में ये है कि इंटर हॉल एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेशन होना मैंडेटरी है और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स यूनियन को उस कमेटी में हिस्सा नहीं लेने दिया गया क्योंकि वाइस चांसलर ने स्टूडेंट्स यूनियन को रिकग्नाइज ही नहीं किया, इसके बावजूद कि हाई कोर्ट ने 17 सितंबर को ऑर्डर के माध्यम से कहा था कि आप इलेक्शन को डिक्लेयर करें।
दिस फी हाइक इज अनफेयर फॉर टू रीजंस. इट, ध्यान से सुनिए, इस फी हाइक के बाद जवाहरलाल यूनिवर्सिटी हैज बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ द कंट्री. एंड नॉट ओनली हैज इट बिकम द मोस्ट एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटी इन द कंट्री, इट दिस फी हाइक हैज बीन अराइव्ड एट विदाउट कंसल्टेशंस विद द स्टूडेंट्स. ये हमारी फाइंडिंग्स है. इसके अलावा मैं सर, ये हमारे रिकमेंडेशंस हैं. अब जो फैक्ट फाइंडिंग है उसको मैं संक्षिप्त में बताऊंगी, और मेरे कुछ सवाल हैं. आई हैव सर्टेन क्वेश्चंस आई वांट टू पोस्ट टू द वाइस चांसलर, जिन्होंने हमसे मिलने से मना कर दिया या हमसे कांटेक्ट नहीं किया. इन सवालों का जवाब वो दें. किसी भी टेलीविजन शो में अगर वो जाएंगे आज के बाद, इन सवालों का जवाब जरूर दें. पहली बात, 5 तारीख की शाम को रजिस्ट्रार ने एक प्रेस रिलीज इशू किया. वो प्रेस रिलीज ये है. 6 तारीख को इस प्रेस रिलीज में जो 2 पन्नों का है, रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर है, वो उस प्रेस रिलीज में कहीं भी साबरमती हॉस्टल का नाम नहीं लेते. मेरे मीडिया के दोस्तों से सवाल है कि 5 तारीख को जो घटना घटी, साबरमती हॉस्टल का नाम सबके जुबान पे थी, जहां पे स्टूडेंट्स यूनियन की अध्यक्षा का सर फोड़ा गया, जहां प्रोफेसर सुचारिता सेन का सर फोड़ा गया, जिस हॉस्टल में घुसकर जिसका वीडियो पूरा देश ने देखा है, वो साबरमती हॉस्टल था. पर वाइस चांसलर के इस प्रेस रिलीज में, रजिस्ट्रार के इस प्रेस रिलीज में साबरमती शब्द कहीं नहीं है, सिर्फ पेरियार हॉस्टल है. क्यों? उसका जवाब वाइस चांसलर दे. दूसरा सवाल मैं पूछना चाहती हूं, वो खुद इस प्रेस रिलीज में लिखते हैं कि 3 तारीख को जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन सिस्टम जहां है उसको स्टूडेंट्स ने, जो एजिटेट कर रहे, उन्होंने तोड़ दिया. करेक्ट, वी आर ऑल अवेयर ऑफ दिस. वो खुद इसमें कहते हैं कि 4 तारीख सुबह हमने फिर उस सिस्टम को चालू कर दिया, जिसकी वजह से हजारों स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन की. राइट और रॉन्ग, वी हैव ऑल हर्ड दिस. पर 5 तारीख को वो कहते हैं, 4 तारीख को 1 बजे स्टूडेंट्स ने फिर अपना सिस्टम डाउन कर दिया. मैं कुलपति से ये पूछना चाहती हूं कि 3 तारीख को अगर स्टूडेंट्स ने डिस्कनेक्ट किया, 4 तारीख सुबह आपने जारी किया, 4 तारीख 1 बजे फिर स्टूडेंट्स ने उसको अगर डिस्कनेक्ट कर दिया, तो 5 तारीख से पहले आपने उसको चालू क्यों नहीं किया? क्या आपको मालूम था कि 5 तारीख को गुंडे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर अपना लाठी पत्थर और हथौड़ा लेके आएंगे, जिसका सीसीटीवी कवरेज अगर रहेगा तो उसका प्रभाव एबीवीपी के एक्टिविस्ट पे पड़ेगा? सिंपल क्वेश्चन. इफ यू कैन रीइंस्टेट द इंटरनेट कनेक्शन एंड द सीआईएस सिस्टम ऑन द 4th मॉर्निंग, व्हाई डिड यू नॉट रीइंस्टेट दैट कनेक्शन ऑन 5th मॉर्निंग? Did you know that there was going to be a violent attack in JNU because of which you wanted to ensure that there is no CCTV coverage? तीसरा सवाल मैं पूछना चाहती हूँ कि वाइस चांसलर लगातार टेलीविजन पे कह रहे हैं कि मैं उन छात्रों के पास खड़ा हूँ, उन छात्रों के साथ हूँ जो इस विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहते हैं, और जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वो इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई नहीं चाहते. आज मैं वाइस चांसलर से सीधा सीधा सवाल करती हूँ. 12 दिसंबर से 2019 एग्जाम्स वर ड्यू टू बी स्टार्टेड. आप लोगों ने इस देश के इतिहास में कभी सुना है कि एक विश्वविद्यालय के कुलपति एग्जामिनेशन व्हाट्सएप पे कराना चाह रहे हैं? ही एक्चुअली सेंट आउट अ सर्कुलर टू से that examinations of a prestigious university like Jawaharlal Nehru University should be held on WhatsApp and email. This is the letter of the Teachers Association to the President of India saying you are making a mockery of Jawaharlal Nehru University. जो कुलपति शिक्षा के पक्ष में काम कर रहा है, वो क्या यूनिवर्सिटी एग्जाम व्हाट्सएप पे कराना चाहते हैं? आप सवाल व्हाट्सएप पे भेजोगे, छात्र कहां पे उसका जवाब लिखेगा
क्या नकल कर रहा है, क्या वही छात्र उसका जवाब दे रहा है, इसका कोई सिस्टम नहीं है। जो फॉरेन लैंग्वेजेस का एग्जाम होता है वो ओरली होता है। क्या आप ओरल एग्जाम भी व्हाट्सएप पे कराएंगे? डज ही हैव एनी आंसर? अ वाइस चांसलर हु सेज ही इज इन फेवर ऑफ एग्जाम, ये टीचर्स एसोसिएशन की चिट्ठी भी हम आपको प्रेस मीट के बाद देंगे। फी हाइक, फी हाइक को लेकर 70 दिन से ज्यादा जो प्रोटेस्ट हो रहा है, उस फी हाइक को जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने 13-11 को पास किया, इसकी सभा कहां हुई थी आप लोगों को पता है? उन्होंने सुबह 10 बजे का मीटिंग बुलाया कैंपस के अंदर। जब लोग पहुंचे पता लगा कि वेन्यू बदल के आईटीओ पे चला गया है। आईटीओ पे 4 या 5 लोग पहुंचे जो वाइस चांसलर के समर्थक है और उन्होंने फी हाइक पास कर दिया। कैन यू इमेजिन ए वेन्यू ऑफ अ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी विच इज द हाइएस्ट बॉडी ऑफ अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिफ्ट्स हिज वेन्यू फ्रॉम द कैंपस टू आईटीओ और वेयर एवर इन द मॉर्निंग ऑफ द मीटिंग एंड पासेस द फी हाइक। ये सच्चाई है और ये चीजें आज तक न्यूज पे नहीं आई है, सिर्फ वाइस चांसलर के ही इंटरव्यू आ रहे हैं। ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री ने 17-11 को हाई पावर्ड कमेटी का एक गठन किया कि जेएनयू कैंपस में पढ़ाई शुरू हो, आंदोलन खत्म हो। वाइस चांसलर रिफ्यूज टू गो बिफोर दिस कमेटी, ही वॉन्टेड नो रेजोल्यूशन। उन्होंने जान के डेडलॉक को रखा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में। इसका क्या कारण है? जब से उनकी नियुक्ति हुई है कम से कम 100 फैकल्टी मेंबर्स जो आरएसएस माइंडेड है, जो पहले एबीवीपी के कार्यकर्ता थे, उनकी नियुक्ति उन्होंने की है। टू गिव वन एग्जांपल, धनंजय सिंह जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, सॉरी जो चीफ प्रॉक्टर हैं, उनको असिस्टेंट प्रोफेसर थे वो, और असिस्टेंट प्रोफेसर से प्रोफेसर बनने के लिए एसोसिएट प्रोफेसर बनने की जरूरत है, जिसको सेंट्रल मिनिस्ट्री ने रिजेक्ट कर दिया। पर वाइस चांसलर ने एक एसोसिएट प्रोफेसर को इमीडिएटली प्रोफेसर के रूप में उसको प्रमोशन दे दिया। ही हैज कंसिस्टेंटली सैफ्रनाइज्ड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एट द डिक्टेट ऑफ द आरएसएस। एक आखिरी पर महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहती हूं, स्टूडेंट्स यूनियन की एक चिट्ठी है जो 2 जनवरी को उन्होंने वाइस चांसलर को लिखा। दिस इज दैट लेटर। इस 2 जनवरी की चिट्ठी में स्टूडेंट्स यूनियन वाइस चांसलर को कह रहे हैं, आपने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी 1 तारीख को, रजिस्ट्रेशन में ये मैंडेटरी है कि आपको सारा फी जमा देना है। इट इज एक्चुअली अप्लाइंग द फी हाइक टू द बैकडोर। फिर भी छात्र यूनियन ने स्पष्ट रूप से लिखित में कह दिया कि आप रजिस्ट्रेशन करिए, आप नया सेमेस्टर चालू कीजिए, सिर्फ फी हाइक को आप लागू मत करिए। जो छात्र विश्वविद्यालय में शिक्षा नहीं चाहता, वाइस चांसलर कह रहे उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए वो राजी थे नए सेमेस्टर में, पर वाइस चांसलर के उनके चिट्ठी का जवाब नहीं दिया। Now I come to the police action. आप लोगों ने टेलीविजन में देखा कि पुलिस खड़ी रही, लोग डंडे चलाते रहे, पथराव होता रहा, दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया। वाइस चांसलर का प्रेस रिलीज कहता है कि 4:30 बजे उन्होंने पुलिस को फोन किया। 4:30 बजे एडमिनिस्ट्रेशन ने पुलिस को फोन किया, उनका अपना प्रेस रिलीज है 5 जनवरी का। पुलिस कहती है 7:45 तक हमें कोई परमिशन नहीं मिली कैंपस के अंदर जाने के लिए। अब कौन झूठ बोल रहा है, या वाइस चांसलर झूठ बोल रहे हैं या दिल्ली पुलिस झूठ बोल रही है, वो बीच एक दूसरे से तय कर ले कि झूठ कौन बोल रहा है। 3 FIR लॉज हुए, 003, 004, 006। आप उन FIRs को पढ़िए। जो 003, 004 है, दे आर फाइल्ड बाय द सिक्योरिटी कंपनी। जो सिक्योरिटी कंपनी एक बार नहीं, बार बार इन FIRs पे कह रही है कि CIS सिस्टम को तोड़ दिया। आई वॉन्ट टू पॉइंट आउट जस्ट वन थिंग, FIR में खुद सिक्योरिटी कंपनी कह रही है कि लोग नकाब डाल के, स्टूडेंट्स नकाब डाल के आए, उन्होंने CIS सिस्टम तोड़ दिया।
पर 8 स्टूडेंट्स का वो नाम लेते हैं एफआईआर में। मैं दिल्ली पुलिस से सवाल करती हूँ कि आपने तीनों एफआईआर में आपने डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन लगाया। आज अगर एक प्रोफेसर का सर फट जाता है जिसमें 16 टाके लगे हैं, सर पे वार हुआ है, आपने अटेम्प्ट टू मर्डर का सेक्शन क्यों नहीं लगाया? Why is there no attempt to murder when the injury is above the waist on the head of the Students Union President of Sucharita Sen? She has 16 stitches. आप किसको बचा रहे हैं? आप किसको बचा रहे हैं? क्यों attempt to murder इसमें नहीं है? एक सीधा सीधा सवाल मैं दिल्ली पुलिस से करना चाहती हूँ। मैं पूछना चाहती हूँ दिल्ली पुलिस कमिश्नर से कि आप आज ही प्रेस मीट करके बताइए सेक्शन 161 के अंडर आपने किन किन का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। आई चैलेंज द कमिश्नर ऑफ पुलिस दैट टेल अस ऑल द पीपल जिनको चोट पहुंची है, जिनका सर फटा है, जिनका हार्ट टूटा है, किस किस का 161 में आपने स्टेटमेंट लिया है? क्या आपने स्टूडेंट्स यूनियन प्रेसिडेंट का 161 में स्टेटमेंट लिया है? क्या आपने सुचरिता सेन प्रोफेसर का 161 में स्टेटमेंट लिया है? नहीं लिया। उन्होंने खुद, जब उनसे कोई पूछताछ नहीं की कि उनका स्टेटमेंट नहीं लिया गया, उन्होंने खुद लिखित में पुलिस स्टेशन में उन्होंने अपना स्टेटमेंट भेजा। व्हाट काइंड ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इज दिस? व्हाट काइंड ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इज दिस? मे आई पॉइंट आउट कि जो एफआईआर सिक्योरिटी कंपनी ने दर्ज किया, कब किया? 5 तारीख को किया। किस वक्त किया? 20:39 and 20:43 on 5th means 8:39 and 8:43। ये क्या वक्त था? 5 तारीख को आप सब मीडिया कवरेज कर रहे थे। ये वही वक्त था सिक्योरिटी कंपनी कैंपस को सुरक्षित ना करके उस वक्त एफआईआर लॉन्च कर रही थी। वो एफआईआर में लिखा है वक्त जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बच्चे ट्रॉमा सेंटर में अपना चिकित्सा करा रहे थे। प्लीज नोट दिस, दिस एफआईआर वर फाइल्ड ऑन 5th when the students were in the trauma center to create record against them. I want to ask my friends in the media ki ye security company, ki ye security company campus ke suraksha ke liye thi ki campus mein jo violence hua 5 tarikh ko ya 5 tarikh se pehle, security company ne lagatar sirf ek kaam kiya, unhone एजिटेशन को तोड़ने की कोशिश की। ऐसे भी बयान आए हैं कि सिक्योरिटी कंपनी 1 जनवरी को खुद नकाब लगा के सीआईएस सेंटर में गई। सिक्योरिटी कंपनी नकाब लगा के क्या कभी किसी कैंपस को सुरक्षित कर सकती है? दीज आर वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चंस। आई हैव नो डाउट, आई एम नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दैट हैज पुलिस पावर्स, आई एम नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी दैट हैज द पावर्स ऑफ एनी जुडिशियल कमीशन, पर ये बात तय है 5 तारीख शाम को 4:30 बजे के बाद या 6 बजे से जो घटना साबरमती हॉस्टल में घटी है, दैट इज प्री प्लान्ड, दैट इज प्री मेडिटेटेड। इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, इसमें वाइस चांसलर जुड़े हैं, इसमें वो फैकल्टी मेंबर्स जुड़े हैं जिन्होंने लाठी अपने घर से स्टूडेंट्स के हाथ में दिया। व्हाट वाज हिज नेम? तपन बिहारी, जो पेरियार हॉस्टल के वार्डन है, उनके घर से ये मॉब निकली है। और ये बात तय है कि जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जहां साबरमती हॉस्टल के अंदर और बाहर हमला हुआ, बिजली किसने काटी? If electricity can be disconnected, I have to say that this attack was state sponsored. This attack was state sponsored. There is absolutely no doubt about it. और जिस तरह से attack हुआ, वो ABVP थे, SFI था, कौन था? ये सवाल इतना अहम नहीं है जितना ये सवाल है कि ये हुआ क्यों और इसको रोकने के लिए विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, दिल्ली पुलिस ने क्या किया। एक प्रेस मीट दिल्ली पुलिस ने की, वीडियो उन्होंने निकाला, उसको चला के देखिए। उसमें जिन 7 लोगों का
लोगों की वो तस्वीर दिखा रहे हैं या वीडियो दिखा रहे हैं, दिल्ली पुलिस के कर्मचारी अफसर SFI का नाम ले रहे हैं, पर फ्रेंड्स ऑफ RSS का नाम लेने से दिल्ली पुलिस डर रही है उसी प्रेस मीट में। मैं दिल्ली पुलिस से पूछना चाहती हूं कि आपका कर्तव्य क्या है? आप RSS का नाम लेने से क्यों डर रहे हैं? ABVP संगठन का नाम लेने से क्यों डर रहे हैं? आप यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट बोल गए, आप SFI बोल गए, क्या आप में इतनी ताकत नहीं है कि ABVP का नाम तक अपनी जुबान पे लाए आप एक